जानकारी का, समझदारी का जो आपका एक परास है, जो रेंज है, उस रेंज को तो इसमें हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके स्कोर को अगर आप 35, 40, 45 के रेंज में हैं या उससे ऊपर हैं तो उसको हम कैसे इनहेंस करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। और इसमें जो योजना है वो ये है कि तकरीबन 750 सब टॉपिक्स हैं, जिन सब टॉपिक्स के अराउंड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। उसमें सबसे पहले मैं जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो पार्ट है उस पार्ट को, उसमें जो एक एरिया है उसको पहले मैं कवर करूंगा। ज्यादा अप्रोच पर बातें करने की बजाय आप खुद ये समझ पाएंगे कि हम लोग जब मैं किसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा तो आप ये समझ पाएंगे कि हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है, हमें कैसे अपनी जो तैयारी आप कर रहे हैं उस तैयारी को हमें कैसे इनहेंस करना है। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो 2013 से लेकर 2018 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को अगर उनका एनालाइज करें, उनका विश्लेषण करें, तो उस विश्लेषण में आप ये पाएंगे कि कुछ डॉट्स हैं, अगर स्टीव जॉब्स के शब्दों का इस्तेमाल करें, जिनको लाइंस में बदलना होता है। अगर कोई विद्यार्थी जो डॉट्स हैं, एक कोई फैक्ट है, और जब आपसे पूछा जाता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो एक स्टेटमेंट कई बार आपको पता होता है, लेकिन जब आप दूसरे स्टेटमेंट पर जाते हैं तो आपको वो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो असमंजस में डाल देता है। इसका मतलब कि एक डॉट से आप कनेक्ट हैं लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो दूसरे डॉट से ऐसा नहीं है कि दो डॉट्स के बीच में आप लाइंस को खींच सकें। जैसे एक उदाहरण से इस बात को अगर हम लोग समझें, आप सभी को एक यहाँ पर शीट दी गई है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को आप लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लीजिए और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस बात को देखें कि क्या है। जैसे ये यूपीएससी का जो बहुत नोन तरीका है वो यही है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इस ये जो फॉर्मेट है कंसीडर द फॉलोइंग का, इसमें आप ध्यान दीजिए कि वो आपके फैक्ट्स के नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को भी, क्या है, कॉन्सेप्ट को भी चेक कर सकते हैं। अब जो इंडियन पॉलिटी बच्चे तैयारी करते हैं उनको एक सूचनात्मक जानकारी होती है 9th शेड्यूल को लेकर, नवी अनुसूची को लेकर। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों के अपने अपने अलग विषय हैं, उसी में नवी अनुसूची भी है। अब नवी अनुसूची के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में अगर आप एक समझ रखते हैं तब आप आंसर कर पाएंगे। जैसे फैक्ट्स ये है कि नवी अनुसूची 284 कानूनों की एक लिस्ट है, 284 कानूनों की एक लिस्ट है। फैक्ट ये भी है कि प्रथम संविधान, मूल संविधान में ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था उसमें 9th शेड्यूल नहीं थी। फैक्ट ये भी है कि फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। फैक्ट ये भी है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर कुछ समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं के संदर्भ में इसको जोड़ा गया। जो ये 284 कानून हैं, इन 284 कानूनों में जमींदारी उन्मूलन के भी कानून थे,
इन 284 कानूनों में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाए जाने के भी कानून थे, और इसमें कुछ दूसरे कानून भी थे जो भूमि अधिग्रहण और दूसरे मुद्दों से संबंधित थे। ये फैक्ट आपको हो सकता है कि बता दूं। अब ये नवीन अनुसूची, इसके संदर्भ में एक और फैक्ट है कि ये आर्टिकल 31B से संबंधित है, वैलिडेशन ऑफ फ्यू एक्ट्स, कुछ कानूनों को मान्यता देना। तो अब यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं। अगर मैं पढ़ते समय ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रख रहा हूं तो मैं नवीन अनुसूची पर पूछे जाने वाले थोड़े से घुमावदार सवाल को भी करने में एक सुविधा महसूस करूंगा। मैं थोड़ा यहां पर समझूं कि अगर मैं आपसे बहुत सिंपल एक ग्रैंड कॉन्सेप्ट के बारे में पूछूं कि अगर मूल अधिकार और कानून इनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो आप या हम या संविधान किसको वरीयता देगा? अगर मूल अधिकार और कानून के बीच में, जैसे हमारे आजादी के अधिकार, हमारे बोलने की आजादी के अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) और इसके साथ ही आईडी एक्ट में अगर कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो नॉर्मल सामान्य बात क्या है कि हम मूल अधिकार को बड़ा भाई मानेंगे, कानून को छोटा भाई मानेंगे और छोटे भाई को थोड़ा किनारे कर देंगे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। और ये बात संविधान में अनुच्छेद 13(2) में कही भी गई है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए अधिकारों को कम करते हैं, छीनते हैं या समाप्त करते हैं। इसका मतलब कि 13(2) कहता है कि मूल अधिकार बड़ा है और कानून क्या है, छोटा है। लेकिन 31(b) कहता है कि कानून बड़ा है कुछ स्थितियों में और मूल अधिकार छोटा है। और 31(b) किसमें है? नवी अनुसूची में। नवी अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को इस आधार पर आप असंगत सिद्ध नहीं कर सकते कि वह मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, उसे सीमित कर रहा है या उसे समाप्त कर रहा है। इसका मतलब जब एक स्टूडेंट सिविल सर्विसेज फ्री के लिए या मेंस के लिए जाता है तो उसे ये दोनों बातें पता होनी चाहिए कि सामान्य स्थितियों में, जो सामान्य स्थिति है उसमें मूल अधिकार और कानून के बीच में अगर कोई कन्फ्रंटेशन होता है तो वैसे स्थिति में मूल अधिकार को वरीयता दी जाती है। लेकिन कुछ अपवाद स्थितियां हैं जिसमें 9th शेड्यूल में डाले गए कानून को मूल अधिकार पर वरीयता देनी पड़ेगी, और यही नवीन अनुसूची का मकसद था। नवीन अनुसूची को डालने का जो मकसद था वो ये था कि अगर ये कंफ्लिक्ट होता है, मतलब कुछ कानूनों को वैधता मिल जाए। नवीन अनुसूची क्या है? जैसे आपसे पूछा गया, किसी 9th-10th क्लास के बच्चे ने पूछा कि भाई नवीन अनुसूची क्या है, अब सिंपली बताओगे कि 284 कानूनों की एक सूची है जिसमें जमींदारी उन्मूलन, भूमि अधिग्रहण, आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने और कुछ दूसरे कानून शामिल किए गए हैं। और नवीन अनुसूची का मूलभूत महत्व क्या है, नवीन अनुसूची का क्या स्थान है? तो नवीन अनुसूची में डाले गए कानूनों को हमें मूल अधिकारों पर वरीयता देनी पड़ेगी। जैसे आमतौर पर कहा गया है कि समानता होनी चाहिए, लेकिन जब हम आरक्षण देते हैं तो मोटे तौर पर समानता के सिद्धांत का कुछ संदर्भों में हनन भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% की सीमा में दीजिए। अब जिसने 69% आरक्षण दिया उसको फिर नवीन अनुसूची में डाला गया। तो यहां पर क्या है कि ये चीज हमें नॉर्मली क्या है, पता है। अब एक सवाल ये है कि क्या नवीन अनुसूची की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हाँ या नहीं जवाब दीजिए। हो सकती है। नवीन अनुसूची की अगर न्यायिक समीक्षा हो सकती है तो अब यहां पर एक विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। न्यायिक समीक्षा कानून की भी समीक्षा है और कार्यपालिका की कार्यवाही की भी समीक्षा है। कानून की समीक्षा और कार्यपालिका की कार्यवाही की समीक्षा ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो न्यायिक समीक्षा के तहत न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नवीन अनुसूची में डाले गए कानूनों की समीक्षा कर सकते हैं। और ये एक बेसिक जो मतलब एक कॉन्सेप्ट तो यहां पर ये रहा कि वेदर द फंडामेंटल राइट्स आर ग्रेटर आर एनी लॉ इज ग्रेटर विद नॉर्मल कंडीशन 13(2) के तहत फंडामेंटल राइट्स ग्रेटर हैं।
लेकिन 21 बी के तहत लॉ क्या है, रिटर्न है 9 शेड्यूल के संदर्भ में। अब इसमें एक और बात है कि आईआर कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के बाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी मामले नवीन सूची में आप डालेंगे उनकी हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। इसका मतलब कि नवीन सूची की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब इसमें फैक्ट क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स के विद्यार्थी को क्या पता होना चाहिए, कोहिलो केस पता होना चाहिए। कब आया, 2007 में आया। सबसे पहले याद करने के लिए जरूरी बहुत शॉर्ट चीज दिमाग में रखिए, कोहिलो केस 2007। फिर कनेक्ट करना होगा, सवाल आएगा आईआर कोहिलो, आपको पता है तमिलनाडु राज्य इसका ये था। इसका फेमस नेम क्या था, 9th शेड्यूल केस। द फेमस नेम वाज कोहिलो केस वाज द 9th शेड्यूल केस। और ये 2007 में क्या है आया। अब इस पर सवाल है आपसे, आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए, जो ये 2017 का ही सवाल मैंने लिया है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवी अनुसूची में डाल सकती है क्योंकि अनुच्छेद 35 के तहत मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति संसद को है। तो अब यहाँ पर मूल अधिकारों को प्रभावित करने की शक्ति भी क्या होगी, संसद को होगी। तो पहला कथन सही है। दूसरे को, नवी अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, यो उसके ऊपर निर्णय नहीं किया जा सकता, गलत है। आईआर कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के वाद में यह निर्णय दिया गया कि नवी अनुसूची के तहत डाले गए कानूनों की समीक्षा हो सकती है और 24 अप्रैल 1973 की जो डेट दी गई वो केशवानंद भारती के मामले के संदर्भ में ली गई। अब इसको मैं ये एक आप ये कह सकते हैं कि छोटा प्लान है, इसको मैं ग्रैंड प्लान में आपको दिखाता हूँ कि आपकी तैयारी का डायमेंशन कहाँ पर और विस्तृत होना चाहिए। ये मैंने एक चीज आपको दिखाई, आपको मैं कम से कम 8 सवाल दिखाऊंगा जो इसी पर घूम फिर कर इसी एरिया में पूछे गए हैं। नवी अनुसूची में सीपीएफ में सवाल है, सीडीएस में सवाल है, इवन एनडीए में सवाल है और नवी अनुसूची में सिविल सर्विसेज पर सवाल है। और सवाल यही है, कोई दूसरा सवाल नहीं। या तो आपके फैक्ट को चेक किया जाएगा कि कब डाला गया, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में डाला गया, या फिर आपको थोड़ा सा आईएएस में जो सवाल पूछा जाएगा कि भाई न्यायिक समीक्षा की गई या नहीं की गई। अब थोड़ा सा मैं पहला जो आपसे टॉपिक ले रहा हूँ वो इंडियन पॉलिटी के राइट्स इशू का ले रहा हूँ और मेरी ये कोशिश है अगर आप थोड़ा रूम पर जाकर अच्छे से कुछ चीजें करेंगे तो मेरी ये कोशिश है कि इसमें जो 3-4 सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल हर हाल में आपके सही हों, तभी हम आपका जो स्कोर है वो स्कोर क्या है इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। यहाँ क्या क्या रेंज है ये रेंज पहले हम लोग डिसाइड कर लें, आपको पढ़ना कितना है और कितना सवाल जो है वो यूपीएससी जो है वो यहाँ पर पूछ सकती है। ये जो राइट्स इशू है इसमें देखिए अपनी तैयारी को 3 वर्गों में बांट दीजिए और खूब गहराई से जाकर आपको पढ़ना पड़ेगा तब आप सवाल कर पाएंगे। और इसमें लक्ष्मीकांत की बेकार है लाचार है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, उस किताब की लिमिटेशंस हैं वो आपको भी धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी, आप पढ़ के भी सवाल नहीं कर पाएंगे। अधिकार संबंधी मुद्दों में एक तो आपको फंडामेंटल राइट्स खूब अच्छे से करनी पड़ेगी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि फंडामेंटल राइट्स को जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ FR, ये आपको खूब अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स के अलावा आपको स्ट्रिक्टली राइट्स करने पड़ेंगे, वैधानिक अधिकार करने पड़ेंगे, में जैसे आपने कभी सोचा कि 2018 में फूड सेफ्टी पर क्यों सवाल पूछा गया,
आपने कभी सोचा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर क्यों सवाल पूछा जाता है? क्योंकि ये सबसे एक महत्वपूर्ण अधिकारों में से है कि आप उपभोक्ता अधिकार और उसके कानून को आप पढ़ रहे हैं। आईएसपी में प्रायः एक या दो सवाल फ्रिक्वेंटली पूछा जाता रहा है। इसका मतलब कि ये स्टूडेंट राइट्स है, कंज्यूमर राइट्स को कोपरा एक्ट को आपको सीधे कवर करना पड़ेगा। इस पर पूछे सवाल पूछे गए हैं, हम तभी हल कर पाएंगे जब कोपरा एक्ट 1986 और उसका जो अमेंडमेंट होकर नया एक्ट है उसको हम पढ़ें। फिर इसके साथ ही आपको आरटीआई क्या लगता है? आरटीआई भी एक स्टूडेंट राइट है क्योंकि हमने संसद के कानून के द्वारा इसको दिया है। आरटीआई को भी बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, भीतर जाकर इसमें सवाल पूछा गया। सूचना के अधिकार के अलावा यहां पर आप ये पाएंगे कि कई बार आपसे वन अधिकार पर फॉरेस्ट राइट पर सवाल पूछा गया है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को एफआरए में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। पर्संस विद डिसेबिलिटी या जिसको हिंदी में आजकल दिव्यांग व्यक्ति बोल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मतलब ये नहीं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं है, ये पर्संस विद डिसेबिलिटी, ये विकलांगों के जो अधिकार हैं इनके बारे में अब तक सवाल एक बार या दो बार पूछा गया, वो भी ह्यूमन राइट्स से रिलेट करके। तो वहां पर विकलांगों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को भी आपको कवर करना पड़ेगा। इन सब के अलावा ये जो जितनी भी चीजें हैं इसमें कुछ और भी अधिकार हैं, लेकिन इनको आपको हर स्थिति में कवर करना पड़ेगा। फिर इसके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने राइट टू फूड दिया, भोजन का अधिकार। पिछले साल इस पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर बेनिफिशरीज को लेकर जो है NFSA इसको पूछा गया, यहाँ पर ये है। फिर इसके साथ ही यहाँ पर राइट टू सर्विस, सेवा का अधिकार, सर्विसेज डिलीवरी को लेकर जो बातें कही गई, तो ये जो अधिकार है इन अधिकारों को आपको तैयार करना पड़ेगा। दूसरा तीसरा जो दायरा है वो है मानव अधिकार का, ह्यूमन राइट्स का। आपको ये सोचना पड़ेगा कि सीआरसी पर कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड पर यूपीएससी ने सीपीएफ में सीबीएस में आईएएस में एनडीए में तीन बार सवाल पूछे। तो बच्चों के अधिकार से संबंधित 6 साल की एनसीईआरटी में जब उसके पेज के पीछे कुछ चीजें लिखी हुई मिलती हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होती क्योंकि आपने पेपर को ठीक से एनालाइज नहीं किया होता है। उसके भीतर जाकर गहरी बात पूछी जा सकती है। कक्षा 6 या 7 की एनसीईआरटी के कवर पेज के पीछे बच्चों के अधिकार संबंधी अभी समय है कि मनोरंजन का अधिकार उनको है कि नहीं है, विकास का अधिकार उनको है कि नहीं है, शिक्षा का अधिकार है कि नहीं है। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में, फिर इसी तरह से महिलाओं के अधिकार पर पिछले बार के पेपर में, या अभी मैं सीडीएस का पेपर देख रहा था, सीडीएस 2019 का पेपर देख रहा था, सीडीएस का जो जीएस का लेवल है वो लेवल यूपीएससी से थोड़ा सा ही नीचे है, और इनफैक्ट साइंस के सवाल में तो थोड़ा ऊपर ही है। अगर जनरल साइंस के सवाल आप देखेंगे तो वहां पर ऊपर है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जिनको इस बार का एग्जाम देना है तो यूपीएससी के 2019 में जितने पेपर्स हुए हैं, सीडीएस के पेपर्स, इवन सीपीएफ का तो अगस्त में होता है, लेकिन उसके पहले का सीपीएफ का पेपर, नवंबर का पेपर, एनडीए का पेपर, उनको जरूर देखिए। उससे नब्ज पता आपको लगेगी एग्जाम में किस दिशा में चीजें जा रही हैं। तो यहाँ पर जो सीडीएस का पेपर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पूछा गया कि बीडिंग सम्मेलन किससे संबंधित है, बहुत आपके फैक्ट को चेक किया जा रहा है कि बीडिंग सम्मेलन किससे संबंधित है। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि महिला के अधिकारों से संबंधित है। और 1979 में सीडा कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के भेदभाव के समाप्ति के संबंध में अभी समय, ये सीडा कहते हैं 1979 में ये पारित किया गया, भारत इसका सिग्नेटरी है। तो अब सीडा यहां पर क्या है पूछा गया, हर भारत एक दो बार के अंतराल पर पूछा जाता है। फिर इसके साथ ही
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसको पूछा गया। इसका मतलब कि और इसके साथ ही आप देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर मेंस में भी सवाल है और में भी सवाल है। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स के कंपोजिशन पर पूछ देगा तो आप चाहे विभिन्न आयोग या निकाय के संदर्भ में उसका उत्तर दें और चाहे यहां से उत्तर दें, लेकिन आपको ये तैयारी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग इसके भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आप ये पाएंगे कि आप जितना रेंज लेकर, जितना कॉग्निटिव रेंज लेकर तैयारी कर रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे 35 सर्टेन सवाल हो जाते हैं और तुक्का मारने में मैं कमजोर नहीं हूं, देखो 50% तो तुक्का का गेम चलेगा ही चलेगा, क्योंकि सर्टेन वाला एरिया अगर 45 हो जाएगा तो उस बच्चे का 65-70 सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये 35 सर्टेन कैसे होंगे? 35 सर्टेन ऐसे होंगे कि 4-5-6 ऐसे एरियाज एक टॉपिक में हो जहां से सवाल गलत ना हो, तब क्या है आप इनहेंस कर रहे हैं। तो यहां पर हमने मानव अधिकारों के संदर्भ में बात की। अब इसके साथ ही जो फंडामेंटल राइट्स है वो पढ़ते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से पढ़ना चाहिए वैसे आप नहीं पढ़ते। आप लक्ष्मीकांत की जो मतलब आप ये कह सकते हैं जो तथ्यों की बंजारा गलियां हैं उसमें क्या है, खो जाती है, फिर आप उसमें निकल ही नहीं पाते हैं कि आप कुछ अपना दिमाग लगाकर सोच सकें, इतना ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। छोटी किताबें जो है वो यूपीएससी के बच्चों को पूरी एनर्जी और पूरी ऊर्जा क्या करती है, वो सोख लेती है, क्रिएटिविटी खत्म करती है। पहले पहला तो ये है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत जिन्होंने पढ़ा उससे मुक्त हो जाए, लेकिन उसके डिटॉक्सिफिकेशन से बचने की जरूरत होगी, क्योंकि सवाल नहीं कर पाओगे तो मोटी किताब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ये भी बात समझना पड़ेगा। और क्यों नहीं कर पाते हो, ये सवाल हल करोगे तो पता लगेगा कि मैंने पढ़ा तो, लेकिन जिस नजरिए से पढ़ना चाहिए था उस नजरिए से नहीं पढ़ पाए, या पढ़कर एक जो डिस्टेंस लेना था, दिमाग में जो चीज बिठानी थी, सोचनी थी, समझनी थी, वो हम नहीं कर पाए। इसमें बहुत बेसिक सवाल भी पूछे जा रहे हैं। 2016 के पेपर में आप देखेंगे पूछ दिया है कि समानता से आशय है, अधिकार क्या है, ये भी पूछा गया है। अधिकार जो है, अधिकार और कर्तव्य के बीच में सवाल पूछा गया। अधिकारों के जो संवैधानिक मतलब प्रकार हम कर सकते हैं उस पर सवाल है। राइट टू वोट किस प्रकार का राइट है, वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्ट्रिक्टली राइट्स, आपके पास लॉजिक क्या है, प्रकार पर भी पूछा इस पर जो है, और भीतर जाकर भी सवाल पूछा गया, मतलब जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स पर भी सवाल पूछा गया। फिर इसके साथ ही आप जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपको तीन चीजें एक साथ जोड़कर पढ़नी है। एक तो प्रियम्बल जो है उसके हर एक शब्द पर कंट्रोल हो, कि मेकर्स ऑफ द माइंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सप्रेस्ड, अगर ये पूछा जाए कि संविधान बनाने वालों का मत किसमें अभिव्यक्त हुआ है, तो आपको पता हो कि उद्देशिका में अभिव्यक्त हुआ हो, आपको पता हो कि सामाजिक न्याय पहले है कि आर्थिक न्याय पहले है कि राजनीतिक न्याय पहले है, आपको पता हो कि कौन कौन से वैल्यूज हैं, क्या क्या बातें उसमें कही गई हैं। आर्टिकल के पॉइंट से दूसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो डीपीएसपी एकदम याद होना चाहिए, एक एक बात पता होनी चाहिए। है बात पता, चेक करूं मैं, जैसे ईडब्ल्यूएस की भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 15-16 में कहीं नहीं है, 15-16 में एससी, 15 में एससी एसटी सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड, और 16 में है एनी अदर बैकवर्ड, उसमें सोशियो एजुकेशनल का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का संकेत कहां पर है? 39 से में भी नहीं, 46 का नाम सुना है, 46 में है। ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन किस बेस पर दिया जा रहा है, 46 के बेस पर दिया जा रहा है कि अनुसूचित राज्य दुर्बल वर्गों
जो आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से दुर्बल हैं, तो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल को ही क्या कहेंगे अंग्रेजी में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस की बात 46 में कही गई है। अब ये जोड़ोगे तो फिर मैं ये सिखाऊंगा कि अब आ जाओ 15(6)A में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये पूछा जा सकता है। अब आओ 15(6)B में, स्कूलों में कॉलेजों में रिजर्वेशन होगा। अब आओ 16 इसमें, 16(7) में आओ। अब ये जो चीज नौकरी में आरक्षण होगा, तो ये इसका मतलब क्या है कि डीपीएसपी हमें हर चीज पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि 33 में क्या है, 34 में या 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, 39 में क्या है। पहला काम करना है घर पर जाकर डीपीएसपी को अपने बेड के सामने लगा लीजिए, गारंटी ले रहा हूँ 1 से 2 सवाल मिलेगा, कोई किताब कुछ नहीं। बेयर एक्ट का डीपीएसपी पहले उसका इंडेक्स निकालिए, एक पहला काम ये करिए, करंट का लेटेस्ट, अभी ये 15, 16, 6 तो नहीं आया होगा, लेकिन जीएसटी वाला 269 में, 279 में क्या किया गया है, तो इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें ये इस तरह से आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए डीपीएसपी की एक एक बात पता होनी चाहिए, पहले उस चीजें याद होनी चाहिए, फिर उसके कुछ डिटेल को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कि मैंने आपसे पूछा, मैं राइट्स इशू दे रहा हूँ, मैंने पूछा कि राइट टू वर्क की बात कही गई है, बताइए काम के अधिकार की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है, 41। राइट टू लिवलीहुड की बात किसमें कही गई, 39 में। तो ये कैसे होगा कि जब आप जाएंगे पढ़ेंगे उसको याद करेंगे तब होगा, और याद करने के लिए पहले आपको एक स्टडी पर, एक चीज पर क्या करना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा। प्रियम्बल याद होना चाहिए, प्रियम्बल की एक एक चीज दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। इसके साथ डीपीएसपी में कहा क्या कहा गया है ये बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर डीपीएसपी के अलावा फंडामेंटल राइट्स के कुछ ऐसे क्लॉज, सब क्लॉज और प्रोविजंस हैं जो बिल्कुल आपको पता होगी, 15(1) में क्या है, 15(2) में क्या है, 15(3) में क्या है, 15(4) में क्या है, 15(5) में क्या है, 15(6)A में क्या है, 15(6)B में क्या है। प्राइवेट कॉलेजों में, स्कूलों में रिजर्वेशन का प्रावधान अनुच्छेद 15(5) के द्वारा किया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा है, उसके इश्यूज क्या है, ये पता होंगे तब हम बात क्या है आगे करेंगे, क्योंकि ये प्री में फैक्ट भी चेक किया जाएगा। और यूपीएससी संविधान संशोधन नहीं पूछेगी, वो कहेगी निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को छोड़कर निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण दिया गया, अब उपरोक्त कथनों पर विचार करना है, आपको पता होना चाहिए सत्य कथन है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो अनुच्छेद 30 में है उनको छोड़कर प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में रिजर्वेशन दिया जा चुका है। तो यहाँ क्या है कि एक पहले आपका तरीका क्या है पढ़ने का, पहले सबसे पहले आप स्टडी मटेरियल डिसाइड कर लीजिए, जो आपको मैं बिल्कुल बदलने की सलाह नहीं दूंगा, जो भी पढ़ा है उस पढ़े हुए पर कंट्रोल बनाना पड़ेगा। जो भी किताब पढ़ी है, डीडी बसु पढ़ी है, सुभाष कश्यप पढ़ी है वो, क्योंकि अब सोच बदलना इस बार के एग्जाम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लक्ष्मीकांत पढ़ा है बहुत अच्छा, लेकिन उससे आप अपने काम की चीजें तब निकाल पाएंगे जब आपको ये पता लगेगा कि इसकी एक चीज इम्पोर्टेंट है और मुझे 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार पढ़ना होगा, लेकिन वो 4 बार पढ़ के मैं ये इंश्योर करूंगा कि यहाँ से सवाल गलत ना हो। फिर इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिंपली दिमाग में बैठती हैं तभी वो कारगर, तभी क्या है उस पर सवाल आप कर पाते हैं। तो एक तो यहाँ पर ये जो चीज है जिसको क्या है आपको करना है, हम लोगों का क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब ये हम लोगों का रेंज है, इतना करोगे तो इस टॉपिक से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और इसमें कहीं कहीं जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट जब हम लोग डिस्कस करेंगे 21A के साथ,
तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस में भीतर जाकर बात करना पड़ेगा, तब सवाल हल होंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस के भीतर जाकर बात करना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें कहा गया है कि टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन होगी वो स्टेट का कोई इंस्टीट्यूशन तय नहीं करेगा, वो एनसीटीई तय करेगा। ये 2018 का सवाल है। इसका मतलब कि सवाल हमसे डिमांड कर रहा है कि हम राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़कर आए, हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को देखें। और इसका मतलब क्या है कि ये पहले में पता हो, और इसके साथ ही पता होने के बाद एक बार हम पढ़ें, और पढ़ने के साथ ही क्या है उसके बाद फिर हम ये देखें कि हम सवाल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको कमर कसना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपना एक मेंटल अप्रोच बदलना पड़ेगा। ज्यादा पढ़ने का संबंध अच्छे तरीके से सवाल लगाने का है, ये कोई सीधी बात है या ये कोई सीधा संबंध नहीं है। दरअसल हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना एग्जाम में जो सवाल पूछे जा रहे हैं हम चेक करके कितना अपने आप को बता पा रहे हैं कि हम यहाँ पर राइट डायरेक्शन में हैं। तो ये जो एरिया है इस एरिया को सबसे पहले कवर करेंगे, और जैसा मैंने कहा आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको करिए। लेकिन जो सिंपल चीज है, सिंपल चीज जैसे बेयर एक्ट है, सिंपल चीज है कि उद्देशिका, नित निदेशक तत्व और मूल अधिकारों के कुछ प्रावधान ये दिमाग में आपके बैठे होने चाहिए कि इसमें कहां कहां क्या बातें कही गई। जैसे आप सभी ने अखबार पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको 46 से जोड़कर गवर्नमेंट रिजर्वेशन देने जा रही, 10% रिजर्वेशन जो दिया गया है, क्योंकि आपके लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप बात करेंगे तो इस बात के संदर्भ में, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया एक तो है फैमिली इनकम, जो आपने अखबारों में 8 लाख पढ़ा होगा, और फैमिली इनकम के अलावा स्टेट समय समय पर यह तय करेगा कि अदर क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या होंगे। तो इनको हम लोग क्या है क्रम से ही करेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए कुछ सवालों को लेते, फिर हम लोग क्रम से ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपसे अधिकार क्या है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, इसको कौन बनेगा कौन नहीं का मैं ऑप्शन बदल रहा हूँ। अधिकार दावे हैं, क्लेम है, अधिकार डिमांड है, अधिकार हकदारी है, इंटाइटलमेंट है, अधिकार बाध्यताएं हैं। मुझे जवाब दीजिए किसमें क्या क्या सही है। राइट्स आर क्लेम, राइट्स आर डिमांड्स, राइट्स आर इंटाइटलमेंट्स, राइट्स आर ऑब्लिगेशंस। अधिकार हमारी मांग है, डिमांड है, किससे, समाज से, किससे, राज्य से, सोसाइटी से, कि मुझे क्लास करने के लिए बाहर निकलने का अधिकार दिया जाए। मैं चाहे लड़की हूं या लड़का हूं, मुझे भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यहां पर क्या है, तो अधिकार सबसे पहले क्या है, डिमांड है। जो डिमांड्स समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं और राज्य के कानूनों के द्वारा वैधता प्राप्त होती हैं, उनको क्लेम कहा जाता है, और वो क्लेम ही क्या होते हैं, अधिकार। और जब राज्य से हम मांगेंगे तो राज्य से, राज्य पर कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी लगेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, ये हमारा अधिकार है, या क्या है, हमारा अधिकार है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये हमारा क्लेम है, तो क्लेम में हम ये कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हैं, ये आपने हमको क्या है, दिया है। इसी तरह से ये इंटाइटलमेंट है, जो जिसका ड्यू है वो उसको प्राप्त हो, अधिकार में यह भी बात रहती है कि मेरा पर्स किसी चोर ने चोरी कर लिया, मेरे पर्स को किसी चोर ने चोरी कर लिया, अब मेरा ड्यू है कि वो पर्स मुझे प्राप्त हो जाए, ये मेरा इंटाइटलमेंट है, क्योंकि वो चीज क्या थी, मेरी थी। तो जब भी आप यूपीएससी के किसी भी टॉपिक की तैयारी करें, क्वालिटी में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या है का जवाब आना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व तो क्या है, नागरिकता पढ़ रहे हैं तो नागरिकता क्या है, नागरिकता क्या है, राज्य की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ द स्टेट,
नागरिकता जो है, आधार कार्ड नागरिकता का चिन्ह है कि नहीं है? नहीं है, ये सवाल पूछा गया था ना। अगर सिंपली से समझा गया होगा, हम लोगों ने अपने क्लास में डिस्कस भी किया था, ये कभी भी ये पूछ सकता है कि आधार कार्ड जो है वो क्या है? पासपोर्ट नागरिकता का सूचक है लेकिन आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड किसको दिया जाता है? रेजिडेंट्स को दिया जाता है, सिटीजंस को दिया जाना, सिटीजंस को दिए जाने की बात की, जो भारत में रह रहा है, भारत का रेजिडेंट है, उसे आधार कार्ड दिया जा सकता है। तो अगर हम सिंपल बात समझेंगे, सबसे पहला क्या है कि हम सिंपल नोशन को समझें, जैसे संसद क्या है, बिहार में पूछा गया और कहीं और दूसरे स्टेट में पूछा गया कि राष्ट्रपति इसमें शामिल होता है नहीं शामिल होता है, तो ये जो विदेशी में जो ये सवाल पूछा गया, तो ये है तो आर्टिकल 79 का ही एक्सप्लेनेशन ना, कि संसद लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो ये क्या है का जवाब? इसी तरह से यूपीपीसीएस में और यूपीएससी दोनों में पूछा गया पंचायत क्या होता है, पंचायत क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आजकल बहुत पंचायत हो रही है, वो पंचायत और संविधान में जो पंचायत है, तो जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो वहां पर पंचायत है ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की संस्था। अब ये पांच शब्द हैं, ये दिमाग में होने चाहिए कि पंचायत को भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 239 में ग्रामीण स्तर पर स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। नगरपालिका क्या है? तो सबसे पहला है, तब आप ऐसे सवाल, ये अधिकार क्या होते हैं, ऐसे सवालों पर आप क्लीन बोल्ड नहीं होंगे। अधिकार दावे हैं किसके? समाज और राज्य के विरुद्ध। ये सबसे पहला क्या है आपको समझना। अब इस पर सवाल पूछे गए, जैसे आप ये देखेंगे तो इस पर आपको सवाल मिलेंगे, और ये सवाल जब वहां आएगा तो आपको लगेगा कि ये सवाल इस पर कई बार आपको लगेगा कि मैं क्या इसका जवाब दूं, क्या क्या चीजें हैं इसमें। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2016 आईएएस का सवाल है, उसको देखिए ऐसा घुमा कर लिख दिया जाएगा। तो ये सबसे पहली बात क्या है कि अच्छा आंसर करने वाले बच्चे के दिमाग में क्वालिटी में इस बात को आप समझ लीजिए कि एक शब्द से हेर फेर हो जाएगा। जैसे कहीं पर दिया गया राज्य विधानमंडल, आपने नोटिस नहीं किया तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगा, और कहीं पर नहीं दिया गया तो भी क्या है, आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो यहां पर आप जैसे इस प्रश्न को पढ़िए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, गलत है। अधिकार वे विशेषा अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। विशेषाधिकारों से बाहर संविधान में शामिल होने से बाहर भी अधिकार होते हैं, इसलिए ये कथन भी गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये कैसे? अब अधिकार है तो दावा ही ना, और राज्य के क्लेम को क्या करता है, ये सीमित करता है। तो ऐसे सिंपल मोशन वाले सवाल, ये देखो ये सवाल जो है ना, ये फुल टॉस गेम है क्रिकेट की, इन पर बोल्ड होने का मतलब ये है कि इस पर छक्का मारा जा सकता है, क्योंकि ये सवाल आपके फैक्ट्स को चेक नहीं कर रहे। ये सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यूपीएससी ने पूछा, वो आपके फैक्ट को चेक कर रहा है, वो आपके वास्तव में क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। तो ऐसे सवालों का किसी भी हालत में गलत नहीं होने का आधार ये होगा कि आप पहले से ही क्या है, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखें। तो यहां पर मैंने एक इस चीज को डिस्कस किया। अब यहां पर जैसे इसी तरह से कुछ और बेसिक चीजों को ले लें, किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने में हमेशा एक डिमांड होती है कि आप क्यों का भी आंसर करें। जैसे आप कह रहे हैं कि अधिकार क्या है, तो अधिकार वे दावे हैं जिन्हें राज्य के द्वारा वैधता दी जाती है, समाज के द्वारा मान्यता। अधिकार हमारी मांग है राज्य और समाज से, अधिकार हमारी हकदारियां हैं।
अगर यहां पर यह पूछा जाए कि भाई क्यों अधिकारों की जरूरत हमें क्यों है, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उन्नति के लिए जरूरी है, वेलफेयर के लिए जरूरी है, अधिकार हमारी पहचान के लिए जरूरी है, हमारे आइडेंटिटी के लिए जरूरी है। जैसे आप मुझे मैसिक हूं, आप मुझे कहोगे कि हेलमेट पहनना भारत में जरूरी है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, तो मेरी तो आइडेंटिटी ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अधिकारों की जरूरत पहचान के लिए भी, और अधिकारों की जरूरत राज्य के शोषण से, राज्य की निरंकुशता से बचाव के लिए भी। तो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये तीन चीज मिलेगी, और जब इन तीनों चीजों को कॉन्सेप्चुलाइज करके भारी भरकम शब्दावली में रख दिया जाएगा तो वहां पर उलझ जाओगे। सबसे पहली बात क्या है कि एनसीईआरटी से जो बेसिक कॉन्सेप्ट मिलते हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार एग्जाम के पहले जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको जगह जगह से क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। जैसे मैंने तीन चीजें बताई कि अधिकार सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए जरूरी है, अधिकार आइडेंटिटी के लिए पहचान के लिए जरूरी है। जैसे अगर मुझे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक आजादी का अधिकार नहीं है तो मैं फिर बाध्य हूं दूसरे धर्म को मानने के लिए। और फिर अधिकारों की जो आवश्यकता है वह राज्य के शोषण और निरंकुशता के विरुद्ध भी है। तो ये तीन रीजन है, ये तीन रीजन ही इस बात का जवाब देते हैं कि भाई अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। तो यहां पर क्या है कि ये जो जैसे कर रहे कोई टॉपिक, और मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनल बात ये बता रहा हूँ, इतनी भी फेमस किताबें यूपीएससी उन किताबों से एक सवाल नहीं आने देंगे। जैसे आप देख लीजिए कि फेमस किताबें, फेमस इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम, क्योंकि यूपीएससी भी इस बात को ध्यान में रखती है कि उसके द्वारा बनाए गए पेपर के बारे में कोई ये क्लेम न कर सके कि हमारे ही उससे क्या आया है। इसलिए आपको शॉर्टकट नहीं लॉन्ग कट लेना पड़ेगा, आराम से कुछ जो अच्छे स्रोत हैं, संक्षिप्त स्रोत हैं, उनको आप करें, उनको अच्छे से करें, और उनको करते समय हमेशा अपने आप को चेक करें सवालों की अदालत में। फिर इसमें जो ये मैंने पहली चीज बताई, अब इसमें क्या है, कंपटीशन की तैयारी में यहाँ पर डायमेंशंस को थोड़ा बढ़ाना भी जरूरी होता है। तो जैसे मैंने कहा कि अधिकारों के प्रकार, तो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि क्या क्या प्रकार हो सकते हैं अधिकारों के, जो प्रकार हैं इनको अगर हम देखें। जैसे एक बहुत बड़ा डिबेट आता है कि ये संवैधानिक अधिकार है या ये विधिक अधिकार है, संवैधानिक है या विधिक है। एक शब्द आता है लीगल और इसके संदर्भ में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल, और भी शब्द होते हैं नेचुरल राइट्स और भी शब्द प्रयोग करते हैं। आज से इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लीजिए कि जो चीज संविधान में लिख दी गई है, लिखने का मतलब जो मेंशन है वह संवैधानिक, और मेंशन का मतलब आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज इंप्लाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं नहीं कह रहा हूं संविधान से क्या निकाला आपने, मैं क्या कह रहा हूं आप ध्यान दीजिए, संविधान में जो लिख दिया गया शिक्षा का अधिकार 21A में लिख दिया गया वह तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल। सूचना का अधिकार निकाल लो लेकिन लिखा नहीं गया है इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा हमदर्द दवाखाना बनाम भारतीय संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार होता है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार होता है, लेकिन वो इम्प्लाइड है, इनहेरेंट है, निहित है। और हिंदी के दो शब्द हैं, एक है निहित होना और दूसरा है उल्लेख होना, अस्पष्ट होना। तो जो उल्लिखित है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे आपको कहा जाए कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये संवैधानिक है कि नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं है सर। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में लिखा गया है वैसे ये नहीं लिखा गया है।
और जब तक नहीं लिख दिया जाएगा, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, जब तक वो नहीं लिखा जाएगा तब तक वो संवैधानिक नहीं होगा। इसलिए बहुत सिंपल। अब इसी तरह से राइट टू ओथ, ये इसमें लिखा गया है 324, 25, 26 इसमें लिखा गया, 326 में है। आपसे पूछा गया 326 में है ये राइट टू वोट क्या है, ये शामिल। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, संवैधानिक क्या होगा। अब इसी तरह से राइट टू वर्क 41 में है, संवैधानिक है। राइट टू लिवलीहुड 39 में है, संवैधानिक है। राइट टू एजुकेशन 21 ए में है, संवैधानिक है। राइट टू फ्री मूवमेंट ये 19 वर्ग में है, संवैधानिक है। राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन ये 25 में है, संवैधानिक है। लेकिन इसके अलावा अपने मन से वहां पर लड्डू नहीं छानना है कि आपने कहा कि नहीं ये भी क्या है। बहुत क्लियर है कि जो उल्लिखित है वही क्या है। अब जब उल्लिखित है तो बेयर एक्ट आप लेंगे, और जब बेयर एक्ट लेंगे तो वहां पर आपको ये शब्द मिलेंगे, जैसे डीपीएसटी आप पढ़ेंगे तो आपको शब्द मिलेंगे कि ये राइट जो है वह राइट क्या है दिया गया है। जैसे आप जो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों का बेयर एक्ट लीजिए, ऑनेस्टली जो है पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये है। और उसमें आप ये देखेंगे कि जो कुछ चीजें हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर थोड़ा पीछे आपको नहीं दिखेगा, ये 41 है ना, 41 का शीर्षक देखिए राइट टू वर्क, ठीक है राइट टू वर्क। तो एक बेयर एक्ट लीजिए और ओरिजिनलिटी पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर जब आप पढ़िए 2 घंटे 1 घंटे खूब ध्यान से पढ़िए। खूब ध्यान से पढ़ने का मतलब है कि जो पढ़ा है उससे पूछा जाएगा तो सवाल का उत्तर गलत नहीं होगा, और ऐसा कम से कम 2 से 3 बार करना पड़ेगा। तब आप जैसे ही वहां ऑप्शन में देखेंगे राइट टू वर्क, राइट टू लिवलीहुड, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मीकांत में खतरा क्या होता है कि आपको पता ही नहीं कि फोकस करना किस पर है, और किसी भी किताब को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। जब आप कंट्रोल कर रहे हैं किसी भी चीज को तो आपको पता रहता है कि यहाँ ये चीज कम महत्व है, महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये चीज क्या है ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पर ये हुआ। फिर इसके साथ ही भारत में आईपीसी और सीआरपीसी, इसमें आईपीसी 1860 में हमारा बन गया, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1947 से बनना शुरू हुआ और 1949 में लागू हुआ। तो ये विधिक है लेकिन संवैधानिकता की दृष्टि से देखें थोड़ा अलग हो गया। कई चीजें हमारे यहाँ जो लीगल हैं, लेकिन हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं गई है, कॉन्स्टिट्यूशन से उनका मेल खाना जरूरी है। इसलिए जब हम कई बार लीगल शब्द उपयोग करते हैं तो लीगल में संविधान पूर्व कानून भी आ जाएंगे, क्योंकि हम आज भी तो 1860 के कानून को मान रहे हैं ना। हमारा संविधान बाद में लिखा गया लेकिन वो उसके उसको क्या है मान रहा है। तो लीगल का क्या है यहां पर, इस चीज के फर्क को भी क्या समझें। फिर इसके साथ ही संसद के कानून के द्वारा जो चीज बनती है उसको वैधानिक कहते हैं, उसको वैधानिक। एक और हिंदी का शब्द है सांविधिक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वैधानिक और सांविधिक ये पर्यायवाची शब्द है और ये स्ट्रिक्टली है, ठीक है ना। तो ये जो लीगल है वो स्ट्रिक्टली नहीं होगा। लेकिन एक और बात है यहां पर कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी ने नहीं बनाई, जो परंपरा के आधार पर है। जैसे हिंदू विवाह कब पूर्ण माना जाएगा, जब 7 फेरे हो जाए और सिंदूरदान हो जाए। लेकिन क्या किसी विधानसभा ने और क्या किसी संसद ने बैठकर ये कानून बनाया है, नहीं। प्रथागत जो कानून होते हैं उनको बनाया नहीं जाता, लेकिन वो कानून तो होते हैं। इसका मतलब कानूनों का स्रोत केवल विधायिकाएं ही नहीं होती, कानूनों का स्रोत कस्टम भी होते हैं। तो जो कानून बन गया वो विधिक तो है लेकिन वैधानिक है,
बात आप समझ रहे हैं, वैधानिक नहीं है, क्योंकि वैधानिक वो होगा जो विधायी निकायों के द्वारा, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज के द्वारा बनाया गया। तो विधिक शब्द ज्यादा व्यापक हो गया भाई। विधिक में प्रथागत कानून भी है, प्रथागत कानून भी आएंगे, जैसे हिंदू विवाह कब मुकम्मल माना जाएगा, हिंदू विवाह तब मुकम्मल माना जाएगा जब सात फेरे हो और सिंदूर ना हो। अभी प्रथा है कि किसी विधानसभा में बैठकर इसको या किसी संसद में बैठकर नहीं बनाया गया, तो कस्टमरी लॉज होते हैं। कस्टमरी लॉज लीगल तो मान लिए जाते, उनको मान्यता दी जाती है, लेकिन उनको बनाया नहीं जाता। अब देखिए यहां पर क्या निकल रहा है कि कुछ चीजें बनाई जाती हैं इसलिए मान्यता है उनकी, और कुछ चीजें बनाई नहीं जाती हैं उनको क्या है, वो चलती रहती है समाज में, उनको मान्यता दे दी जाती है। जितने निजी कानून है, जितने भी चाहे हिंदुओं के मुस्लिमों के, वो कानून क्या है, वो लीगल है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली वो ही जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज को भी क्या है, फर्क को आपको समझना पड़ेगा। अभी कैसे होगा, जब हम इंफॉर्मेशन के मोड से थोड़ा रुक कर जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो हमने पढ़ा, एक पैराग्राफ हमने पढ़ा, हमने कुछ पॉज लिया कि क्या पढ़ा मैंने, दो तीन बातें इसमें कौन सी मुख्य हैं। जब हम ये करेंगे तो हमारे दिमाग में जो परमानेंट चीज जानी चाहिए वो जाकर रिस्टोर होगी, और ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल गलत नहीं होगा। क्योंकि पंचायत ऐसे पढ़ लिया, पूरा प्रावधान पढ़ लिया कि 243 जी में पंचायतों की शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं, फिर पंचायत के संदर्भ में जो राज्य चुनाव आयोग है, वो राज्य वित्त आयोग है, वो 243 आई और की में है। लेकिन इन सब ये इंफॉर्मेशन आपने ग्रहण किया, लेकिन जब आपसे पूछा गया कि स्थानीय शासन का सर्वोत्तम रूप उदाहरण है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, तो आपका दिमाग घूम गया कि ये तो कभी सोचा ही नहीं मैंने कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ये संघवाद से जोड़कर कभी सोचा ही नहीं। ये सोचना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण हुआ, तो जो डेमोक्रेटिक, अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ते ही हैं, उन एनसीईआरटी बुक्स पर ज्यादा टाइम देने के बजाय जो आपने पढ़ा एक बार आपको उस पर सोचने की पूरी जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही जब आप क्लासिफिकेशन पढ़िए तो क्लासिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है उसको जरूर याद रखिए। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मूल अधिकारों का एक वर्गीकरण करता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान शामिल, कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, 32, 33, 34, 35 चार हो गए। अब जैसे पिछली बार यूपीएससी ने पूछा कि शोषण के विरुद्ध रक्षा में क्या क्या शामिल है, तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि बाल मजदूरी भी शामिल है और बेगारी तस्करी इस पर रोक भी क्या है शामिल है। तो अब ये दिमाग में बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में ही रहेगा, वो पढ़ने पर क्या है जैसे आप देखेंगे वैसे ही आप लोकेट क्या है कर लेंगे। इसका मतलब कि एक तो क्लासिफिकेशन हमें ये पता होना चाहिए संवैधानिक और विधिक का, फिर मैंने यहाँ पर किया विधिक और वैधानिक का, ये क्लियर हुआ आपको कि बहुत लोग पूरा पॉलिटी पढ़ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस से एमए पीएचडी कर जाते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये मामला क्या है। बनाना एक चीज है, मान्यता देना दूसरी चीज है। कुछ चीजें विधिक रूप में मान्यता दे दी जाती है, कुछ चीजें बनाई जाती है और मान्यता दी जाती है। तो जो राज्य विधानमंडलों के द्वारा, संसद के द्वारा बनाया जाएगा वो क्या है, वो वैधानिक है, सांविधिक है, और कुछ चीजें ऐसी जो प्रथागत कानून के तहत स्वीकार कर ली जाती है। तो जितने भी वैधानिक कानून है, प्रसन्न लॉज है, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुस्लिमों के हों, ईसाइयों के हों, उनको हम क्या मानते थे, लीगल। तो लीगल के आधार पर ये क्या है अंतर किया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि मूल अधिकार मूल क्यों है। एक और पहला मैंने कहा अधिकार क्या है, दावे है, हकदारी है। फिर मैंने कहा अधिकार क्यों है, तो मैंने वहां जब आप ये तीन रीजन ध्यान में रखना है, सामाजिक आर्थिक उन्नति का, पहचान का
और इसके साथ ही राज्य के निरंकुशता को रोकने का। फिर अधिकार संवैधानिक भी होते हैं, विधिक भी होते हैं। संवैधानिक और विधिक का, संवैधानिक और वैधानिक का अंतर बताया गया। अब एक और सवाल है कि अधिकार में मूल अधिकार नाम क्यों दिया गया, फंडामेंटल राइट नाम क्यों दिया गया? भूल जाइए कि आपने किसी किताब में पढ़ा होगा, लेकिन आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, आप कलेक्टर बनने का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एनालिटिकल पावर अच्छा होना चाहिए। हर चीज किताब से नहीं मिलेगी, हर चीज कोचिंग में नहीं मिलेगी। जब हम कहते हैं फंडामेंटल, तो सीधी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कुछ चीजें एडवांस में होंगी। और ये चीज हम लोग जैसे एथिक्स में भी यूज करते हैं, जैसे फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इसका मतलब कि कुछ हायर वैल्यूज भी हैं, तभी तो उनको फंडामेंटल कहा जा रहा है। जैसे आपने कहा कि साहब सत्यनिष्ठा न्याय, ये सत्यनिष्ठा फंडामेंटल है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ हायर वैल्यूज भी हैं, तो देयर मस्ट बी फ्यू हायर आर एडवांस लेवल राइट्स, देन वी कैन से देयर आर फ्यू फंडामेंटल राइट्स। जिन अधिकारों के बिना दूसरे उच्चतर अधिकारों की संभावना ही ना हो, पॉसिबिलिटी ही ना हो, उन अधिकारों को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स। आपको मैं जीवन का अधिकार, आपका खत्म, आप जी नहीं सकते। छोले फिल्म की तरह गब्बर आया, आपको उसने गोली मारने की कोशिश की, जब बचोगे ही नहीं तो बोलने के अधिकार का महत्व क्या है? तो सबसे फंडामेंटल में भी सबसे ज्यादा फंडामेंटल कौन सा है? 21 क्या है? राइट टू लाइफ देता है। राइट टू लाइफ के बाद ही तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन है। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल में भी कुछ फंडामेंटल है। श्रीकांत शर्मा हिंदी के बहुत जाने माने साहित्यकार थे, उन्होंने कहा जब बचोगे तभी तो रचोगे, जब बचोगे ही नहीं तो रचोगे क्या? तो यहां इसका मतलब कि कुछ फंडामेंटल है और कुछ उसके ऊपर के एडवांस ले लेते हैं। एक और बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संविधान सभा में पूछा गया, संविधान सभा में पूछा गया कि भाई ये फंडामेंटल किस सेंस में है, इनकी तो ये तो लिमिटेड है, सीमित चीज फंडामेंटल राइट्स के भीतर कैसे आ सकती है? अंबेडकर ने कहा कि फंडामेंटल राइट और नॉन फंडामेंटल राइट के बीच का अंतर ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट सीमित होता है, असीमित होता है, और नॉन फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सीमित होते हैं, मतलब लिमिटेड और अनलिमिटेड का कोई फर्क नहीं होता। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो पक्षकारों के बीच के समझौते की देन होते हैं, और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो राज्य के विधि की देन होते हैं। ये बात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कही, ध्यान दीजिए शब्दों को। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो पक्षकारों के, स्टेक होल्डर्स के एग्रीमेंट का परिणाम होते हैं, हम तुम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तुम मुझे कहीं भी जाने दोगे और मैं भी तुम्हें कहीं नहीं रोकूंगा, हमारा आने जाने का अधिकार क्या हो गया? निर्बाध हो गया, विदाउट किसी इंटरफेरेंस का हो गया। इस समझौते का परिणाम है, अंबेडकर ने कहा कि मूल अधिकार समझौतों का परिणाम नहीं है, ये कानून की देन है और कानून उन्हें सीमित कर सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जब आप पहले से थोड़ा बना कर रखेंगे तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप थोड़ा मैं एडवांस लेवल पर आता हूँ। जैसे मैंने ये एक फॉर्मेट ये किया, एडवांस लेवल राइट या राइट इशू जब आप पढ़ते हैं तो आप चार चीजों को एक साथ क्या है जोड़ कर देखेंगे, और जब आप चार चीजों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो एक तस्वीर बनेगी, वो तस्वीर जो है वो उसको अगर आपने पूरा कर लिया तो कम से कम 2 से 3 सवाल आपको मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने यहां पर अधिकार संबंधी मुद्दे में एक तो है कि आपके दिमाग में क्या है का उत्तर होना चाहिए, क्यों है, प्रकार क्या है, और फंडामेंटल किस सेंस में फंडामेंटल है, ये उत्तर आपको होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं इनमें क्या है ये होना चाहिए। अब एक दूसरी बात आप समझिए कि क्या हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो असीमित नहीं है बल्कि वे सीमित हैं।
ये कथन सही है या गलत है? यूपीपीसीएस में एक बार ये सवाल आया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और मान लीजिए इस तरह के कथन दे दिए गए तो आपको ये ट्रू लग रहा है या फॉल्स लग रहा है? ट्रू है, एकदम ट्रू है। ये अनलिमिटेड या असीमित नहीं है, मतलब इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिस्ट्रिक्टेड, ये सीमित है। अब क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज को पढ़ते हैं तो कई बार कंक्लूजन वाली लाइन सबसे मिस हो जाती है। पहले तो ये है कि आपके दिमाग में कि ये सीमित है। सीमित होने के चार आधार हैं और इन चारों आधारों से हर बार सवाल आता है। मूल अधिकार सीमित हैं क्योंकि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। मूल अधिकार सीमित हैं क्योंकि मूल अधिकारों के अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। मूल अधिकार सीमित है क्योंकि मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, दे कैन बी अमेंडेड। मूल अधिकार सीमित हैं क्योंकि मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है आपातकाल के दौरान से। तो हुआ कि नहीं? अब सिंपल सवाल बना दिया जाएगा, कथन कारण, मूल अधिकार सीमित हैं कारण क्योंकि मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या हुआ, क्या करूं। अब यहां पर इसको आप समझिए, अब ये डॉट्स को मैं लाइंस में बदल रहा हूं और यहां पर अगर आपने इतना तैयार किया है तो अब इसको यहां ऐसे लेके जाना है, साथ चलेंगे, एक सवाल गलत नहीं होगा। 15 सवाल अगर क्वालिटी के मान लीजिए आते हैं, 11 से 15 के रेंज में होता है, तो देखो एक दो सवाल में ह्यूमन एरर भी हो सकता है, एक दो सवाल और टेक्निकल भी हो सकता है। लेकिन अगर 15 में हम 13 करके आते हैं, 11 में अगर हम 9 करके आते हैं, इसका मतलब कि क्वालिटी हमारे ये रास्ता बना रही है। और ये दूसरे सेक्शंस के बारे में भी कह रहे हैं, प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस जो है वो क्या है। आपने ध्यान से पढ़ा होगा 19.2 से लेकर 19.6 तक क्या है, युक्त युक्त प्रतिबंध, और ये सब संविधान के शब्द उपयोग कर रहा हूं। इसलिए ये शब्द नहीं सीखोगे तो कॉन्सेप्ट में अंतर नहीं कर पाओगे, ठीक है। कलेक्टर बनने का एग्जाम है तो जितना भी मतलब इतना समृद्ध एग्जाम देने जा रहे हैं तो भाषा भी दरिद्र नहीं होनी चाहिए कि ये कहीं शब्द से हर जगह काम चला रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस 19.2 से 19.6, हमारे जो 6 अधिकार हमें दिए गए, 19 में हमें कितने अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकार दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये अधिकार दिया गया है। स्पीच से ही काम नहीं चल सकता था, एक्सप्रेशन क्यों? आपने कार्टून बना दिया, बगल वाले दोस्त को आप जब वो देख रहा है तो आप देखेंगे तुम ये लिखो, ये बैल का कार्टून मैंने बनाया तुम ये लिखो, तो आप मुझे कहेंगे कि सर मैंने एक शब्द नहीं बोला है, लेकिन आपने ऐसा एक्सप्रेशन कर दिया जिस एक्सप्रेशन से आप दूसरे आदमी को क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर इसी तरह से राइट टू असेंबल, राइट टू असेंबल, 5 लोग मिले 10 लोग मिले सेट के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया, सैकड़ों बच्चे हो गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये राइट नहीं देता तो हाय हाय मुर्दाबाद जिंदाबाद ये हो पाता, नहीं हो पाता। राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सवाल आया सीपीएफ में फिर आईएएस में, सहकारी समितियां बनाना मूल अधिकार है, हाँ सही है, सहकारी समितियां बनाना अब मूल अधिकार है। तो राइट टू फॉर्म यूनियन, फिर इसी तरह से राइट टू मूवमेंट, फ्री मूवमेंट, एक्सेप्शन है नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स जहां पर इंटरनल परमिट की जरूरत होती है और 35(1) की वजह से जम्मू कश्मीर भी हो सकता है। राइट टू फ्री मूवमेंट, राइट टू रिजाइड एंड राइट टू सेटलमेंट,
कहीं भी रहने और निवास करने का। अभी यहाँ रह रहे हो, रेजिडेंट हो, कल वो सिलेक्ट हो गए, यहीं पर घर बंगला बना लिया, तो ये क्या हो गया, राइट टू सेटलमेंट। और फिर इसके साथ ही राइट टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस, कोई भी व्यवसाय सेवा वृत्ति उपजीविका करने का अधिकार। ये 1919 जी में है, सब क्लॉज जी है और क्लॉज इसका वन है, ठीक है। इसमें सब चीजें ध्यान से दिमाग में रखनी है, ठीक है। इच्छा अधिकार है, हिंदी में बता रहा हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, फिर कहीं भी रहने और बस जाने का अधिकार, और कोई भी व्यवसाय उपजीविका कारोबार करने का अधिकार, ये याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। उस दिन के लिए भी कभी क्लॉज सब क्लॉज का भी कोई मामला फंस जाए तो आप इसको कर सकें, ठीक है। अब इन पर प्रतिबंध बताएंगे, इन पर प्रतिबंध आप हैं कि बोलते बोलते आप देश को टुकड़े टुकड़े में करवाने लगे, भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का आपने दुरुपयोग किया और देश की अखंडता के लिए आप खतरा बन गए। तो यहां पर कहेंगे प्रतिबंध लगाए गए, अखंडता इन सुरक्षा, लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार सदाचार। बोलते बोलते आप गाली देना शुरू कर दी, फेसबुक पर आप लगातार गाली दे रहे हैं, शिष्टाचार सदाचार। फिर इसके साथ ही अवमानना आप करने लगी, न्यायिक अवमानना, मानहानि, डिफेमेशन करने लगे, विदेशी या राज्य की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता, पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार सदाचार, न्याय को मानना, मानहानि, ये क्या है, रीजनेबल, इसी को कहते हैं आरआर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ये। फेवर इन पर भी सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा कि सबको बोलने की आजादी है, अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 33 के तहत, आर्टिकल 33 और 34 के तहत, 33 सेना के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, इनको इनके जो अधिकार है उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, सेना के लोग, आसूचना या इंटेलिजेंस के लोग, इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। और जहां पर भी मार्शल लॉ लागू होगा, मार्शल लॉ जहां पर सेना का कानून, उनको भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जहां लगता है वहां के लोगों के नागरिक अधिकार क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये हुआ, ये प्रतिबंध हुए, यहां पर क्या हुए, ये प्रतिबंध हुए। मूल अधिकारों के अपवाद 31A, भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई भी कानून है उस कानून को इस आधार पर हम सीमित नहीं करेंगे, अवैध नहीं ठहराएंगे कि वह कानून मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। 31B नवीन सूची के जितने कानून हैं वो, 31C निदेशक तत्वों को बीपीएसपी को लागू करने वाले कानून, ये एक्सेप्शंस हैं। नवी अनुसूची क्या है, एक्सेप्शंस हैं। 31B क्या है, कुछ कानूनों को वैधता, और ये 284 कानूनों की लिस्ट है, यहां भी मूल अधिकार क्या हो गए, सीमित। संशोधन 368 के तहत मूल अधिकार का संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, 368 के तहत मूल अधिकार का संशोधन किया जा सकता है, शर्त केवल यही कि बुनियादी ढांचे को खत्म न करे। निलंबन 358 और 359 के तहत मूल अधिकार का निलंबन होता है कि नहीं होता है, होता है। 358 के तहत 19 सीधे खलास हो जाता है, और 359 के तहत 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी राष्ट्रपति चाहे तो अपने आदेश से क्या कर सकते हैं,
उसके लागू होने को रोक सकते हैं। अब यहां पर जब ध्यान से पढ़ोगे, ये भी है कि मुझे बेयर एक्ट पढ़ना भी आपको बताना पड़ेगा। होता क्या है कि जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो बेयर एक्ट में कुछ चीजें जो ध्यान देने की रहती है वो आप थोड़ा कई बार आपसे ओवरलुक हो जाता है। देखिए यहां पर सस्पेंशन ऑफ एनी प्रोविजन एंड सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ एनी प्रोविजन, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। 19 का पूरा प्रोविजन सस्पेंड हो जाए, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाए। 19 की जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगा युद्ध और बाह्य आक्रमण की वजह से बोलने की आजादी खत्म। अब देश की पाकिस्तान से मान लीजिए भगवान ने करे ऐसा हो, आज ट्रंप ने बोल भी दिया है कि भारत तैयारी वारी कर रहा है, लेकिन मान लीजिए पाकिस्तान से लड़ाई हो और आप कहेंगे मैं बोलने की आजादी रखूंगा, मैं विरोध करूंगा, मैं मुखर्जी नगर में जलसा करूंगा, भारत के खिलाफ भारत युद्ध में क्यों उतर गया, काफी बोलने की आजादी जैसे ही इमरजेंसी लगेगी वैसे ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिए कि क्या है, मैं थोड़ा इंग्लिश वाले को ले रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश वाले में चीजों को पकड़ना आसान है, हिंदी वाला भी आप ले सकते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19, और अगला ध्यान से देखेंगे सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कंफर्ड बाय पार्ट 3। इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करना, लागू होने को निलंबित करना अलग चीज है, और पूरे प्रोविजन को सस्पेंड करना वो अलग चीज है। ठीक है, इसमें भी ये भी चीजें क्या है, एक बार यूपी में, अब देखिए यूपी के प्रश्नों की जो भाषा होती है वो सिंपल होती है, लेकिन सवाल ऐसा जरूरी नहीं कि वो सिंपल हो, इसी पर सवाल पूछा गया, ये जो माइनूट चीज थी इसी पर सवाल पूछा गया। तो इसको भी क्या है आपको, इसका मतलब कि मूल अधिकार पर अधिकार संबंधी मुद्दे पर अच्छी तैयारी का मतलब है कि हमें इन चारों डायमेंशन पता होने चाहिए। हम मूल अधिकार को नवीन अनुसूची से जोड़कर पढ़ें, मूल अधिकारों को हम मार्शल लॉ से जोड़कर पढ़ें, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट से जोड़कर पढ़ें, सेना और सुरक्षा बलों और आसूचना या इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उनके अधिकारों के संदर्भ में हम पढ़ें, सामान्य तौर पर लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में पढ़ें, मूल अधिकारों के संशोधन के संदर्भ में भी पढ़ें और निलंबन के संदर्भ में भी पढ़ें। तब इस पर जुड़े हुए सवाल क्या है आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर यह क्या है तारा। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कुछ सवाल अच्छे से आप करने की स्थिति में होंगे, तो सवालों को यहाँ पर देखते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 9, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि, ये मैंने बताया नहीं है लेकिन आपको यहां पर बता रहा हूं, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी समानता का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट, इनका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मीनिंग किया जाता है, इसको भी दिमाग में रखो। जैसे मान लीजिए कि एक राजतंत्र है, राजतंत्र जैसे मान लीजिए कि आपने बाहुबली देखी होगी, तो बाहुबली में जो माहिष्मती राज्य है उसमें राजा और प्रजा के अधिकार बराबर नहीं होंगे, और राजा को हमेशा प्रजा से ज्यादा अधिकार मिलेगा। तो राजतंत्र में बेसिकली कभी भी समानता नहीं हो सकती, लोकतंत्र में हमेशा क्या होगी, समानता होगी। राजतंत्र का बेसिक टेनेट कभी भी इक्वलिटी नहीं हो सकता, वो इक्वलिटी के आइडियल पर बेस ही नहीं करता है। और जहां सामंतवाद होगा, अगर वहां पर भी सामंत के अधिकार क्या होंगे, ज्यादा हो। तो जब लोगों ने समानता की बात की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो राजा है, जो सामंत है, इनके विशेषाधिकार को खत्म करिए। तो समानता का शुरुआती जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, विशेषाधिकारों का अभाव, इनके विशेष अधिकारों का समाप्त होना। जैसे हमने सबको बराबर स्थान दिया है,
लेकिन कुछ कर्तव्यों और कुछ दायित्वों के अनुपालन के लिए हमने 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ छूटें दे दी हैं। लेकिन वहां पर हम लॉजिक दे रहे हैं कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, वो किसी वंश परंपरा से ताल्लुक रखते हैं, इसके आधार पर भी उनको विशेषाधिकार नहीं दे रहे हैं, तो विशेषाधिकार का अभाव। अब जब आप कहेंगे, जैसे मैंने पूछा कि रोगी होने का मतलब क्या है या जो स्वास्थ्य क्या है, तो आपने कहा कि सर जो रोगी नहीं है वह स्वस्थ है, या आपने स्वास्थ्य की पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं दी, ये क्या है नेगेटिव डेफिनेशन है, ये भी क्या है समानता की पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है कि नेगेटिव डेफिनेशन है, लेकिन पहले समानता तभी संभव होगी कि विशिष्ट अधिकारों का अभाव। फिर समानता क्या है, अमर सेन ने अपनी किताब इनइक्वलिटी रीएग्जामिन्ड, उनकी बड़ी फेमस शुरुआती किताब थी, इनइक्वलिटी रीएग्जामिन्ड में अमर सेन ने कहा कि इक्वलिटी ऑफ व्हाट, किसकी समानता, क्या समान करना चाहते हो। ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, लोगों की अपॉर्चुनिटी समान करना चाहते हो, लोगों की सिचुएशंस को समान करना चाहते हो, परिस्थितियों को समान करना चाहते हो, लोगों की जिंदगी के नतीजों को समान करना चाहते हो, परिणाम को समान करना चाहते हो। अब यहां पर कुछ लोगों ने कहा कि संसाधन बिल्कुल बराबर कर दिए गए, जैसे शुरू में क्या है अवसर बराबर हो, 100 मीटर की दौड़ है, जीतने के अवसर सबके लिए हो, इसलिए नियम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, दैट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट इज इक्वलिटी, इक्वलिटी इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस, इक्वलिटी ऑफ आउटकम, परिस्थितियों की समानता, परिणाम की समानता, अवसर की समानता। अब यहां पर क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहां एक कॉन्सेप्ट ये भी दिमाग में बनाकर रखने की जरूरत है कि विशेषाधिकारों का अभाव क्या है, वो किसी का विशेष अधिकार अगर है कि, अब विशेषाधिकार का अभाव इसका मतलब क्या है, इसके पहले हम ये मान लें कि अधिकारों में लोगों की समानता होनी चाहिए, तो समानता का एक और मतलब आ गया, अधिकारों की समानता, अवसर की समानता, परिस्थितियों की समानता और परिणाम की समानता। जितने मार्क्सवादी समाजवादी हैं वो सब किसकी समानता की बात करने लगते हैं, सिचुएशन बराबर करो, लोगों के हालात बराबर करो, जिंदगी में नतीजे भी लोगों के क्या है बराबर होने चाहिए, और जितने भी लिबरल थिंकर हैं वो इनको करते हैं, एक दिमाग में एक मोटा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, क्योंकि एक सवाल आइडियोलॉजिकल भी कई बार पूछा गया है, इधर तो नहीं लेकिन 2013-14 का पेपर आप देखेंगे ISB का, तो गांधीवाद से और मार्क्सवाद से एक सवाल पूछा जाता है, आइडियोलॉजी का एक सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद की मूलभूत विशेषता नहीं है, ऐसे सवाल पूछा जाता है, तो मोटे तौर पर क्या है ये दिमाग में होना चाहिए। फिर इसी तरह से स्वतंत्रता पर आ जाए, स्वतंत्रता बंधन का अभाव है, एक डेफिनेशन है, पाबंदी का अभाव है, कोई बंधन नहीं होना चाहिए, बंधन लगाता कौन है, बंधन राज्य लगाता है या समाज लगाता है, ठीक है, एक तो बंधन का अभाव है, फिर अपने विवेक के अनुसार चुनने का विकल्प होना चाहिए, ये इसका पॉजिटिव मतलब हुआ, विवेक के अनुसार चुनने का, मुझे बिना कारण आप गिरफ्तार कर रहे, मेरे ऊपर बंधन आप डाल रहे हैं, इसलिए अनुच्छेद 22-20 ये सब क्या कर रहे हैं, वो इस बात को कहें कि आपके ऊपर कोई बंधन क्या है डरना रहा है, तो एक तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखना है। अब उस सवाल को आप करिए यहाँ पर कि समाज में समानता होने का, नवी सवाल को करिए, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषा अधिकारों का क्या है एक निहितार्थ उसका यह है। फिर दसवें सवाल को करिए, दसवें सवाल को करिए आपने, दसवें का सी होगा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। फिर इसी तरह से 11वें सवाल को करिए, भारत के मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, यूपीएससी ने 2017 में जो आंसर की जारी की है उसमें भी इसे संवैधानिक अधिकार माना है, हालांकि जो निर्वाचित होने का अधिकार है टू बी इलेक्टेड वो आरटी एक्ट के तहत दिया गया है। ये भी बात आप समझिए, आर्टिकल 326
ये राइट टू वोट देता है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे राइट टू वोट देता है और आरपी एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये राइट टू बी इलेक्टेड चुनाव लड़ने का अधिकार देता है लेकिन इसमें दोनों को मिलाकर पूछा गया है दोनों को मिलाकर पूछा गया है इसलिए हम इसका उत्तर ये करेंगे यहां पर अगर ये अकेले पूछा जाएगा तो वहां पर ये संभावना बनेगी कि वैधानिक अधिकार को आप क्या करेंगे जो विधायिकाओं के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं वो वैधानिक अधिकार होते हैं जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन ये संवैधानिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है संवैधानिक है तो अगर आप कह रहे हैं किस अनुच्छेद में है वैधानिक अधिकार होता है इस पर भी सवाल क्या है आपसे पूछा गया है ये भी जो सवाल है यह सवाल पूछा गया है तो इसमें जो है जैसे इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसी में देखिए एक क्लब ऑफ कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ सवाल है 99 100 और 100-01 पर आइए 99वां सवाल समा सवाल और 101 सूचना का अधिकार मूल अधिकार है विधिक अधिकार है न तो मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों क्या ऑप्शन करेंगे आप बी करेंगे विधिक अधिकार करेंगे क्योंकि विधिक अधिकार सबसे बड़ा अम्ब्रेला है उसमें सारे अधिकार आ जाएंगे ठीक है फिर इसी तरह से अनाज प्राप्त करने का अधिकार और खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है ये भी विधिक अधिकार है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जो राइट टू फूड दिया गया है भोजन का जो अधिकार दिया गया है वो संसद के कानून के द्वारा दिया गया है इसलिए वो वैधानिक अधिकार है फिर इसी की तरह से जैसे अब इसको फर्क कनेक्ट करिए आज जाकर आप घर पर राज्य के वित्त निदेशक तत्व के सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें 39 में आएंगे 39 दो है एक 39 स्मॉल ए इन ब्रैकेट और एक 39 कैपिटल ए 39 कैपिटल ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है फ्री लीगल एड है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या है कि और 39 ए में राइट टू लिवलीहुड की बात है अब ये सवाल उठता है कि भारत में वो पहला वर्ग कौन सा है जिसको कानून बनाकर आजीविका का अधिकार दिया गया वो है स्ट्रीट वेंडर्स स्ट्रीट वेंडर्स को स्ट्रीट वेंडर एक्ट के द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्र पहचाने गए जहां पर उनकी आजीविका को सुरक्षित करने का अधिकार दिया गया वहां अगर उन्हें हटाया जाएगा तो मुआवजा दिया जाएगा वहां पर उन्हें हटाया जाएगा तो वहां पर जैसे आप शहरों में जब घूमते हैं तो जैसे जयपुर आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा नो वेंडिंग जोन ठीक है नो वेंडिंग जोन इसका मतलब क्या है कि ये मान कर दिया गया है कि यहाँ पर वेंडर्स नहीं बैठ सकते हैं आप कनॉट प्लेस जाते हैं राजीव चौक जाते हैं वहां पर आप देखते हैं कि दुकानें लगी रहती हैं वो वेंडिंग जोन है वहां पर अब क्या है वेंडर्स के एक्ट आ गया तो एक वेंडर को जगह अलॉट हो जाएगी उसका वो निश्चित भुगतान करेगा वो जगह किसी को दे नहीं सकता है उस जगह पर उसकी आजीविका को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया तो इसलिए ये भी क्या ये नया एक्ट है 2014 में इसको क्या है बनाया गया तो ये था तो इसलिए इस तरह के जो सवाल हैं उन सवालों के संदर्भ में भी आपको सोचना अब यहाँ पर मैं यहाँ इसके साथ ही जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो पूरा दायरा है उस पूरे क्लब ऑफ कॉन्सेप्ट से या फैक्ट सेट से मैं पूरा एक जो भी सवाल पूछे गए उनको क्या है ले रहा हूँ कि राइट टू एजुकेशन जो है उसको यहाँ पर दे रहे जैसे आप देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन पर 2018 में क्वेश्चन है और राइट टू एजुकेशन पर पहले भी क्या है क्वेश्चन है जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3
2018 का सवाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्हा होने के लिए किसी व्यक्ति में से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। अंडरलाइन राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है ना। जब आप ऐसे 3-4-5 लाइन के वाक्य पढ़ेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि उसमें उलझना नहीं है, पेन रहे, आपको तुरंत ईयर मार्क करना है कि इसमें क्या चीज मेन है, ठीक है। आरटी अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अब आप बताइए कि कौन निर्धारित करता है, एनसीटीई निर्धारित करता है या स्टेट काउंसिल निर्धारित करता है? एनसीटीई पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा वाला सही होगा। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है, ऐसा नहीं। अब इसमें क्या शिक्षा संवर्त, अब समझिए शिक्षा संवर्ती सूची में है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके फैक्ट को चेक करूं, भारतीय संविधान के में कौन से प्रावधान हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं? अनुच्छेद 21A शिक्षा को, फिर इसी के साथ ही अनुच्छेद 45, 21A में 6 से 14 साल के संदर्भ में है। अब थोड़ा सा जरिए कैसे तैयारी करना है और कैसे अपने रेंज को क्या है, पूरा किताब पढ़ने के बजाय आप कुछ टॉपिक्स लीजिए पॉलिटी में और उन पर पूरे रेंज और पूरे डेप्थ में जाकर पढ़िए। और ये ध्यान रखिए कि जो टॉपिक मेंस के हैं उनमें आपकी ये मेहनत उस समय क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य, अभी मैं इलाहाबाद में क्लास दे रहा था, मैंने बच्चों को पूछा गया है 5 वर्ष में आप जानते हैं कि आईएएस का, और आईएएस में अगर अच्छा करना है तो लाभार्थी कौन है किसी कानून का, और लाभार्थी में हमेशा ध्यान रखना दो कॉन्सेप्ट होता है, या तो सब लाभार्थियों की यूनिवर्सल होगा या पर्टिकुलर होगा। जैसे ये आरटीई क्या है या ये जो 21A क्या है वो पर्टिकुलर नहीं है, वो क्या है, लेकिन इंदिरा आवास योजना पर्टिकुलर है, इंदिरा आवास योजना क्या है पर्टिकुलर है। तो इस पे ध्यान दीजिए कि सभी बच्चे लिखा हुआ है, सभी निवासी लिखा हुआ है, सभी नागरिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो 21A आपने यहाँ पर ध्यान दिया राज्य के संदर्भ में, फिर 6 से 14 साल के बच्चों के संदर्भ में दो शब्द आए हैं, निःशुल्क और अनिवार्य। इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका मतलब समझकर आपको आना है, निःशुल्क और अनिवार्य। ये हुआ 45। अब राज्य कानून बनाकर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ये कहा गया अपने सामर्थ्य के भीतर। 45 में पूरा खेल बदल जाता है, यहां पर है 6 वर्ष, हम कह सकते हैं वैसे लिखा गया 6 वर्ष से कम के बच्चों, तो 45 किसके हैं 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए। फिर यहां पर 46 में क्या है, 46 में किसके बारे में है और क्या है, ये दो चीज पता होनी चाहिए। 46 एसटी एसटी के लिए पर्टिकुलरली है, और अदर वीकर सेक्शन जिसमें ईडब्ल्यू यह सब आ गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको आरक्षण दिया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियां, शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजातियां, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, उनको सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने की बात कही गई है। जो नौकरियों में 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है वो अनुच्छेद 46 के तहत दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो संसद में जो विधेयक पेश हुआ संशोधन के लिए, उस विधेयक में ये बात कही गई। तो एससी एसटी और प्लस अन्य दुर्बल वर्गों, अन्य दुर्बल वर्ग कौन, जिन जो आर्थिक और शैक्षिक हितों की दृष्टि से क्या दुर्बल है, तो इनके कौन से हित सुरक्षित करने हैं, आर्थिक प्लस शैक्षिक। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, पूरी लाइन दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है,
एनालिसिस करके चार पांच बातें दिमाग में रखना है। ये 46 हुआ, तो ये 3 हुआ, फिर मूल कर्तव्य में भी कोई बात नहीं रही है शिक्षा को लेकर। पेरेंट्स और गार्जियंस का क्या कर्तव्य है, तो 50 51 51 1। ये हुआ चार प्रावधान होंगे, और कौन कौन से प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में शिक्षा कहां पर है, राजशाही अनुसूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। सातवीं अनुसूची लिख रहा हूं, समवर्ती सूची में है। पंचायतों को शिक्षा को लेकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कोई कर्तव्य, कोई दायित्व, तो कोई विषय क्षेत्र दिया गया है, देखरेख का दिया गया है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायतों से। 11वीं अनुसूची के 3 विषय को आप देखेंगे, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की देखरेख, तकनीकी प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा, ये सब किसको दिया गया है, पंचायतों को। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये आईएएस का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा को प्रभावित करते हैं, और ये जवाब करेंगे एक बार तो आपके डॉट्स क्या होंगे और लाइंस में कनेक्ट होंगे, इतने डायमेंशन से हमें क्या है देखना है, इतने डायमेंशन से। अब यहां पर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 21A जोड़ा गया, और इसके साथ ही उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 में जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। 86 अमेंडमेंट में ये बात कही गई। फिर यहां पर अब कुछ और चीजों को आप जोड़िए, 6 से 14 साल का छोटू अगर स्कूल में होगा तो बाल मजदूरी 14 साल के पहले के बच्चों की समाप्त करनी पड़ेगी। 21A का कनेक्शन क्या है 24 से, कोई है कनेक्शन, 23-24 दो अनुच्छेद है ना, 23 किसके बारे में है, 24 जैसे एक है, देखो यहां पर कि तस्करी को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, बेगार को, इन सब को रोकने की बात कही गई है, और एक है बाल मजदूरी को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद बताइए जो बाल मजदूरी को रोकता है, 24। अब यहां पर क्या है, ये जो 24 है, इस 24 का कनेक्शन 21A से है कि नहीं है। अब यहां पर देखिए, 21A को लागू करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया, 21A को लागू करने के लिए ये आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 आया। अभी हाल में इसमें संशोधन किया गया क्यों, अभी हाल में ही इसमें संशोधन किया गया। बच्चे जो है, पहले टीवी पर प्रचार आता था कि पप्पू पास हो गया, फिर ये कानून आ गया 2009। इस कानून में सोचा गया कि पप्पू को फेल करना, उनको हतोत्साहित करना, इसलिए कोई बच्चा फेल नहीं हो। जब बच्चों को फेल करना बंद किया गया, बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए अब कहा गया कि एग्जाम भी होगा 5 और 8। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया, उसमें भी हाल में 2017 में संशोधन किया गया और राज्यों को अधिकार दे दिया गया कि अगर वो चाहे तो परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट का अपडेट भी आपको पता होना चाहिए। इस पर अब तक 4 सवाल पूछे जा चुके हैं आईएएस में, जब से ये आया है इस पर अब से 4 सवाल। मेंस में आरटीआई पर पूछा जा चुका है, आरटीआई पर 4 बार पूछा जा चुका है, और इसके साथ ही आप देखेंगे इस पर भी सवाल पूछा जा चुका। अब यहाँ पर कनेक्शंस को थोड़ा देखिए, कनेक्शंस क्या है कि बाल मजदूरी को रोकने के लिए जो अनुच्छेद 24 है, तो इसमें कहा गया कि 3 जगह प्रतिबंध लगेगा, 3 स्थानों पर, कारखानों में,
खदानों में और खतरनाक जगहों पर ये कहा गया। ये तीनों जगह बाल मजदूरी पर क्या करता है, रोक लगाता है। ये बाल मजदूरी पर रोक लगाने की जो बात है तो इसको लागू करने के लिए कानून बनाया गया, बाल मजदूरी प्रतिषेध व नियमन अधिनियम 1986, और फिर उसमें फिर संशोधन किया गया, बाल मजदूरी प्रतिषेध, बाल मजदूरी प्रतिषेध व नियमन अधिनियम। अब देखिए इसमें क्या है, कॉमन सेंस से आप सोचिए कि कुछ लोग, कुछ बच्चे इसलिए बाल मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए बिल्कुल रोक की प्रतिबंध की बात नहीं की गई। यू मस्ट बी अंडरस्टूड दिस थिंग, दिस इज नॉट कंप्लीट स्टॉपिंग, ये पूरी तरह से रोक नहीं, प्रतिषेध की बात है। मतलब ये नहीं कहा जाए, जैसे हिंदी का एक शब्द होता है उन्मूलन, एवोल्यूशन, ये नहीं कहा जाए बाल मजदूरी उन्मूलन, बाल मजदूरी प्रतिषेध, क्योंकि समझा गया कि भाई गरीबी की वजह से बच्चे क्या है बाल मजदूरी में जा रहे हैं। अब ये जो कानून था ये 1986 में बना था, 2009 में ये कानून आ गया। ये कह रहा है कि साहब 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं सब स्कूल में रहने चाहिए, तो 6 से 14 साल के बच्चे बाल मजदूरी नहीं करने चाहिए। तो हमने फिर एक नया कानून बनाया 2015 में। ये जो नया कानून था, इस कानून में हमने कहा कि अब केवल 286 प्रोसेसेस में ही नहीं बल्कि सभी जगहों पर 6 से 14 साल के बच्चों की बाल मजदूरी पर क्या हो जाएगी, रोक। 14 से 18 साल के बच्चे खतरनाक क्षेत्रों में नहीं, उनको किशोर कहा गया। 6 से 14 साल का आदमी बच्चा है और 14 से 18 साल का क्या है, किशोर है। अब इसके और कनेक्शंस को आप देखिए, मामला क्या है, ये यूपीएससी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से हम लोग अब एक और चीज को कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप आरटी एक्ट 2009 पढ़ेंगे तो यहां पर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को भी पढ़ेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं बाल मजदूरी प्रतिषेध नियमन, इसको CLPR एक्ट कहते हैं, तो एक्ट भी पढ़ेंगे। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके प्रावधान को भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक और चीज आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ भारत ने 2017 में एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है जिसमें 138 और 182 के तहत बाल मजदूरी को रोकने की बात कही गई। ये इसका तीसरा कन्वेंशन, ठीक है। मतलब जब इस चीज को आप तैयार करना शुरू करेंगे तो जोड़कर आपको पढ़ना है। अब इसमें संवैधानिक प्रावधान पता होने चाहिए, संविधान संशोधन और न्यायिकवाद पता होने चाहिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान पता होने चाहिए, अनुच्छेद 24 और बाल मजदूरी के डेवलपमेंट पता होने चाहिए, और इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स भी क्या है पता होने चाहिए। दो एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, एक चाइल्ड कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट CRC पता होना चाहिए और दूसरा ILO के प्रावधान होने चाहिए। CRC पर UPSC ने भीतर जाकर सवाल पूछा है कि बच्चों का कौन सा अधिकार होता है, विकास का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार, ये सब क्या, इस पर बात करेंगे CRC पर। लेकिन अभी क्या है कि आपका रेंज एक पढ़ने का बने। अब इसमें कुछ और चीजों पर यहाँ पर आते हैं कि बच्चों से जुड़े हुए और कौन कौन से अनुच्छेद हो सकते हैं। क्या हमने ये कंप्लीट लिस्ट आपको दी है? नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में भेदभाव करने से मना किया गया है कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, धर्म, वर्ग, जाति, लिंग और जन्म स्थान, रिलीजन के बेस पर, इसके साथ एथनिसिटी के बेस पर, कास्ट के बेस पर, जेंडर के बेस पर और बर्थ प्लेस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15-2 में कहा गया है कि कोई होटल हो, भोजनालय हो, कुंभ मेला हो,
वहां पर कोई भी जाता है तो कोई नागरिक उससे भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे एक है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, 15(1) में क्या है स्टेट नहीं करेगा इस 5 आधार पर, और 15(2) में क्या है नागरिक नहीं करेगा। नागरिक किसी, अब जैसे आप मान लीजिए आप भी कुंभ मेले में गए, कोई दूसरा भी गया, अब कुछ लोग किसी को रोकने लगे कि आप नहीं नहा सकते, तो 15(2) का क्या होगा? 15(3) क्या है? 15(3) महिलाओं और बच्चों के बारे में। इसका मतलब ये लिस्ट कब पूरी होगी? जब हम इसमें 15(3) को भी जोड़ें कि राज्य चाहे तो बच्चों के बारे में विशेष प्रावधान कर सकता है। बच्चों के बारे में विशेष प्रावधान कर सकता है। बच्चों के बारे में विशेष प्रावधान का मतलब क्या है? बच्चों के बारे में विशेष स्कीम चलती है तो विशेष प्रावधान हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों के बारे में विशेष कानून आपने बना दिया वो भी विशेष प्रावधान हुआ? पास्को एक्ट किसके बारे में है? बच्चों के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान दोपहर भोजन योजना बच्चों। अब आपने कहा कि साहब आपने कहा था कि हम सबसे समानता रखेंगे, लेकिन आप तो यहाँ पर बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर रहे हैं, तो इस अपवाद को डाल दिया गया। स्कीम कानून, स्कीम और कानून के अलावा अगर आरक्षण भी देंगे तो वो भी तो विशेष प्रावधान है। अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 25% रिजर्वेशन देते हैं तो भी तो 15(3) के तहत आएगा, वो 15(3) के तहत वह भी आएगा। भारत में वर्तमान समय में आरक्षण के 2 रूप हैं, दोनों सबसे प्रमुख रूप में हैं। एक नौकरी में आरक्षण जो 16 के तहत मिलता है, 16(3) के तहत मिलता है, 16(4) के तहत मिलता है। दूसरा एक शिक्षा संस्था में, स्कूल और कॉलेज में आरक्षण, शिक्षा संस्था में आरक्षण 15 के तहत मिलता है। तो अब यहां पर बच्चों के आरक्षण के संदर्भ में यह भी क्या है आपको कि नौकरी में आरक्षण जॉब रिजर्वेशन 16 के तहत और शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण 15(4) के तहत। तो अब यहां पर बच्चों के संदर्भ में भी जो आरक्षण होगा वो क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा बच्चों के संदर्भ में यह जो आरक्षण है। अब यहां पर मोटी, यहां पर ये जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस मतलब देखिए जब आप ये सुनिश्चित करेंगे कि इस टॉपिक से हमें आंसर करना ही करना है तो आपको थोड़ा पढ़ने का रेंज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और ये भी सुनिश्चित है कि इससे मेंस में भी एक सवाल आपको मिलेगा, तो हम ऐसे क्षेत्र में अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं जिसका लाभ हमें अंतिम चयन में भी मिलेगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको आगे बढ़कर कुछ टेक्स्ट, जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर चले जाएंगे RTES आपको हिंदी में अवेलेबल मिलेगा, तो एक निगाह आपको डालनी चाहिए उसको, RTE Act जो है उस पर क्या है डालनी चाहिए। अब जैसे RTE Act जो है वो क्या कहता है, उसने कहा कि कैपिटेशन फीस जो है वो बच्चों से नहीं ली जा सकती, कोई टेस्ट नहीं होगा माता पिता का एडमिशन के लिए, और मास्टर साहब लोगों का ध्यान पढ़ाई पर, पढ़ाई करवाने पर ही रहे, इसलिए चुनाव और जनगणना जैसे कुछ कार्यों को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य उनसे नहीं करवाया जाएगा। इस पर UPSC ने सवाल पूछ लिया। इसका मतलब क्या है, देखिए शिक्षा से ये बात आगे बढ़ी तो राइट टू एजुकेशन एक्ट तक। ये भी बात समझना है, जैसे आपके से बहुत से लोग जो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं वो कठिन सवालों को देखने के बाद जब समत्कृत होते हैं तो उनको लगता है कि यही उनकी तैयारी का अधूरापन है। तैयारी का ये अधूरापन नहीं है, UPSC बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछती है, पूछ भी नहीं सकती है। UPSC जो है दूर की कौड़ी या खोजी तथ्य वाले सवाल नहीं पूछेगी। अगर वैसा सवाल पूछेगी, दुर्लभ तथ्य वाले सवाल, तो वो सवाल जो है वो कहे जाएंगे कि इन सवालों की सिविल सेवा के करियर से कोई खास प्रासंगिकता नहीं है। UPSC हमेशा आपको इम्पोर्टेंट दायरे में सवाल पूछेगी। UPSC के सवाल डिफिकल्ट नहीं होंगे, वो घुमावदार होंगे, वो ट्रिकी होंगे, और वो ट्रिकी इसलिए होंगे कि आपने एक बार पढ़ा है तो आप उस दायरे में जाकर बात को समझ जाएंगे। इसलिए ये भी है, मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी को सही दिशा में भी आपको देना जरूरी है। आपके लिए दो ही, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है पिछले वर्षों के पेपर और जो UPSC जिन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है उनके लेवल पर ही रहिए, उन्हीं से दायरा अपना तय करिए।
उन्हीं क्वेश्चंस पर मास्टरी हासिल करिए, उन्हीं पेपर्स पर 5-7 साल के पेपर्स जो है उन पर मास्टरी हासिल करिए, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 50% सवाल मिलेंगे। और एक और बात है, परीक्षा के कभी भी डायनेमिक एस्पेक्ट को, प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी भी गत्यात्मक पक्ष को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में जो हमेशा अस्थैतिक पक्ष होता है, एक स्टैटिक पक्ष होता है, परंपरागत पक्ष होता है, उस पर हम कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। उस पर क्या है, जैसे हम आईएलओ के सवाल को आज भले ही बता दें, लेकिन 2017 में आईएलओ के कन्वेंशन के बाद 2018 में सवाल पूछा गया कि 138 और 182 क्या है। तो इस सवाल के संदर्भ में हम गेसिंग के आधार पर भले कह दें, लेकिन हम ये कहें कि बच्चा कोई पढ़ ले, तो ये क्या है भाई, इंटरनेशनल लेवल है, तो जाहिर सी बात है कि जहां मैं लेबर पहला शब्द देखूंगा उसी तरफ जाऊंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा परीक्षा में क्या है कि उच्च तापदाब की परिस्थिति होगी, मेरा दिमाग सामान्य तौर पर काम नहीं करेगा, और मैं पहले से मानकर बैठा हूँ, मैंने तो मुखर्जी नगर और करोलबाग की सबसे कठिन टेस्ट सीरीज लगाई है, तो कठिन टेस्ट सीरीज लगाई तो मैं तो मान के बैठा हूँ कठिन ही सवाल पूछा जाएगा, तो मेरा कॉमन सेंस आलमारी में बंद है, वहाँ पे कॉमन सेंस मेरा निकलेगा नहीं। कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में लेबर होगा तो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर जिससे भी क्या चीज, तो मेरा वहां पर कॉमन सेंस नहीं चलेगा। और तब आप कहेंगे कि मेरा तो सर ऐसा है कि मेरा तो तुक्का एक भी सही नहीं हो रहा। क्यों सही नहीं हो रहा है? क्योंकि यू आर थिंकिंग इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि आप मान कर बैठे हो कि अगली गेंद बाउंसर आएगी और गेंद आई है उल्टास। यहाँ पर ये भी बात है, इसलिए और इसमें देखिए क्या हो रहा है, प्रतियोगी जो चीजें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को कठिन बनाकर केवल शोहरत हासिल की जा रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये उनमें क्या है, उस बच्चे की ओवरऑल भलाई के बजाय ये बताया जा रहा है कि तुमको देखो ये नहीं आता है, और तुमको जो नहीं आता है वो यहाँ आकर पढ़ना पड़ेगा, दिक्कत ये है, इसलिए संतुलन पूरा गड़बड़ाया हुआ है। इसलिए इस बात को भी देखिए, ये अप्रोच के लिए लड़ाई है। जब मैं सीरियस सीपीएफ एनडीए के पेपर को सॉल्व कर रहा हूं या करने की स्थिति में हूं, प्रीवियस यूपीएससी के पेपर्स को सॉल्व करने की स्थिति में हूं, इसका मतलब मैं तैयारी की दिशा ठीक है, मुझे तैयारी की। और देखिए हर एग्जाम में कल सेलेक्ट होता है तो 100 में से कितने सवाल होंगे, 10 सवाल होंगे, 10 सवाल आप न जानो कोई दिक्कत नहीं, 15 न जानो, 85 आता रहे, लेकिन आपकी एक्यूरेसी इतनी शानदार हो कि मामला 65 पर जाकर टिक जाए, तो आप क्लियर कट प्री पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये भी बात है। और एक दूसरी बात ध्यान में रखिए, इनपुट और आउटपुट का रेशियो, कि मैं आपसे कहूं कि 500 पेज ये पढ़ लो और सवाल में ये दो, तो ज्यादा अच्छा है जो क्वालिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा उसी को दो बार और पढ़ के दो सवाल एक्यूरेसी अपनी क्या करें बढ़ा लें। तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेडिशनल एरियाज हैं मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, क्वालिटी, ये जो ट्रेडिशनल एरिया है इनसे ही हमेशा प्रीलिम्स निकला है, इन्हीं पर एनवायरनमेंट पर निवेश करोगे वहां से प्रीलिम्स निकलेगा, क्योंकि वहां के सवाल क्या है ज्यादा है। लेकिन जो बहुत डायनेमिक है उसको, उस पर इनपुट लगाने का भी कोई फायदे की कोई गारंटी नहीं है, तुम पढ़ के जाओगे। जैसे आप बहुत बार करंट के लिए परेशान रहते, भी मैं करंट पर आ रहा हूँ, जो करंट है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात है कि आप इनको क्या जोड़ें। अब आपके लिए ये होमवर्क है, ये सवाल तो मैं हल कराऊंगा कि इनको, जैसे मैंने कहा कि 15-3 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों के बारे में विशेष प्रावधान क्या है यहाँ पर किए गए, और इसके साथ ही हमें इनको कनेक्ट करने के साथ ही अब मैं शिक्षा के संदर्भ में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मतलब जो 124वां संविधान संशोधन जो कर रहा है उस लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ क्या चलेगी। लेकिन इसके बीच में आप इस जो इससे जुड़े हुए जो सवाल पूछे गए हैं, थोड़ा हम क्वेश्चंस को भी देखें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 112, 112वां सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन के लिए नाम निर्दिष्ट स्कीम है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षर भारत।
सर्व शिक्षा अभियान, तो सिंपल क्वेश्चन है। 97वां सवाल देखिए, भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? पहला, इस अधिकार के अंतर्गत बाल और वयस्क निरक्षरता दोनों आती है और इसलिए वह भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा की सार्वत्रिक गारंटी देता है। एकदम गलत है। अब इसमें निरक्षरता का कोई मुद्दा ही नहीं, इलिटरेसी के लिए नहीं है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा देनी चाहिए। यह अधिकार बाल अधिकार है जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चे आते हैं तथा यह वर्ष 2015 से लागू होगा। गलत नहीं है, फैक्ट गलत है। यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ये भी गलत है। यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है। ये क्या होगा? सही होगा। सिंपल सवाल है, बस वहां पर जब पूछा जाएगा तो इस सवाल में कुछ चीजें जो वो थोड़ी जटिल हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके साथ ही 120वां सवाल देखिए, ये सीपीएफ का सवाल है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है? कोई विद्यालय अथवा व्यक्ति किसी बच्चे को प्रवेश करते समय कोई प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहित नहीं करेगा, कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी, आरटीई एक्ट 2009 में कहा गया है। कोई अध्यापक किसी निजी ट्यूशन अथवा निजी अध्यापन कार्यकलाप में नहीं लगेगा, ये भी इस पर भी रोक है, सही है। बच्चे अथवा उसके माता पिता या अभिभावकों के लिए किसी परीक्षण प्रक्रिया की शर्त नहीं होगी, सही है। किसी अध्यापक की चुनाव कार्यों में कभी भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, चुनाव और जनगणना दोनों में ड्यूटी लगाई जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस रेंज में क्या है जाना है, हमें जो रेंज है वह रेंज क्या है जाना है। अब इसके साथ ही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इससे आपको पता लगेगा कि क्यों इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, उस पर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे सीआरसी पर जुड़े हुए जो सवाल है, ये सवाल जो है ये क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, ये आईएएस का सवाल है, मेरे ख्याल से 2013-14 का सवाल है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय, ये इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में कहते हैं यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड के अनुसार बच्चों के अधिकार हैं, मनोरंजन के अधिकार, सांस्कृतिक जीवन और कला प्रवृत्तियों में भाग लेने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तीनों है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 6 और 7 क्लास की एनसीईआरटी में जहां पर भी यूएनसीआरसी लिया गया है उसको एक दो बार जरूर आपको पढ़ लेना है, उससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर 128वां सवाल देखिए, सीपीएम में पूछा गया है, किसी सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों के लिए प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत राज्य सशस्त्र सेनाओं में किसी ऐसी व्यक्ति की भर्ती नहीं करेंगे जिनकी आयु 15 वर्ष से कम हो, 18 वर्ष से कम हो, 14 वर्ष हो, 21 वर्ष हो, बताइए। चलिए एक और एक सवाल यहां पूछते हैं, उससे कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार बच्चा होने की उम्र क्या है? 14 साल। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार बच्चा होने की उम्र क्या है? 18 साल। इसलिए कोई भी रोक कब तक होगी? 18 साल। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो परिभाषा है कि वह मानव व्यक्ति बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। हमारे यहाँ 6 से 14 बच्चा हो गया और जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन जो एक्ट है उसमें 14 से 18 क्या हो गया? किशोर के लिए। 14 से 18 क्या हो गया? किशोर के लिए। फिर संविधान में अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के संदर्भ में बात करी गई।
अब ध्यान दीजिए 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों की देखरेख और उनके शिक्षा संबंधी की बात की गई है। 45 को लागू करने के लिए हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS चलाई, जिसमें आंगनवाड़ी बनाई गई और हमने उन बच्चों के उन बच्चों को कुछ सुविधाएं प्रदान की। तो यहाँ पर इसको भी कनेक्ट करना है आपको, यहाँ ये चीज भी क्या है कनेक्ट करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि अधिकार संबंधी मुद्दे तभी अच्छे से तैयार होंगे जब हम मानव अधिकार संधियों को भी क्या करें इसके साथ तैयार करें, ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज जो है उनको भी तैयार करें। 7-8 मानव अधिकार संधियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना 2 से है, एक है बच्चों से संबंधित CRC और दूसरा है सीरा। इन्हीं से 2 से आमतौर पर सवाल क्या है पूछे गए हैं। अब इनको भी आपको क्या करना है, एक बार इनको भी देखना है, उस पर आगे भी इस पर बात करेंगे यहाँ पर। फिर इसके साथ ही जैसे इसमें से कुछ सवाल आप देखेंगे तो ये चीजें जो है, जैसे आप CDS का पेपर देखेंगे तो CDS के पेपर में आपको इस तरह के जो सवाल हैं वो सवाल सीधे मिलेंगे। जैसे एक सवाल आया कि बीजिंग घोषणा, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 16, बीजिंग घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है, महिलाओं के अधिकार से। दरअसल सीधा 1979 के बाद 1995 में बीजिंग सम्मेलन हुआ जिसे P5 भी कहा जाता है। तो बीजिंग सम्मेलन जो है वो सीडा को लागू करने के लिए हुआ था, सीडा कन्वेंशन ऑन इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के समझौते को शॉर्ट में CEDAW कहते हैं। वहां से भी सवाल क्या है आ रहे, इसका मतलब कि आपको इनको भी तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में 15 को और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिक्षा के संदर्भ में आरक्षण हो या कोई भी विशेष प्रावधान हो, वह विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15 के तहत किया जाता है। इसका मतलब कि IAS की तैयारी करने वाले बच्चे को 15 के बारे में कोई भी जो माइन्यूट चीज है वो भी क्या पता होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे 15-1, 15-2 से लेकर जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं वो क्या है। तो एक शीर्षक दीजिए, मेरी लिए एजुकेशन एंड Article 15 124वां संविधान संशोधन के संदर्भ में, 124वां संविधान संशोधन के संदर्भ में ठीक है। सबसे पहले 15 के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कैसे आप याद करेंगे, सबसे पहले किसी भी आर्टिकल के बारे में 2-3 शब्द ही दिमाग में रखना है और कुछ चीजें कॉमन सेंस से जोड़ने की धीरे धीरे एनालिटिकल पावर डेवलप करें। 15 के बारे में सबसे पहले यही याद रहे कि यह भेदभाव करने से मना करता है। कुछ चीजें दिमाग को जोड़ने दीजिए कि कौन से आधार पर भेदभाव करने से मना करता है, नागरिकों को लेकर ही है या सभी व्यक्तियों को लेकर है, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को लेकर है। तो अब इसमें क्या है कि हम लोग चूंकि 124वां संविधान संशोधन के लेटेस्ट डायमेंशन तक पहुँचना चाहते हैं, उस पर सवाल अभी नहीं पूछा गया लेकिन अब पूछा जाएगा, जो भी 9 जनवरी में असेंबली जो हुआ है उसके संदर्भ में। तो जैसे सबसे पहले कि 15-1 राइट डाउन करिए, भेदभाव से मना करता है, 15-1 भेदभाव से मना करता है। इट प्रोहिबिट्स
डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव से मना करता है। ये भेदभाव पांच हैं, धर्म, रिलीजन, मूल वंश, रेस, जाति, कास्ट, लिंग, जेंडर और जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान देखिए, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, भी क्या है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन डोमिसाइल के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे यूपी की लड़कियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरक्षण है, तो यूपी की जो डोमिसाइल है उनको है, सबको नहीं है। तो यहाँ पर जन्म स्थान है, निवास स्थान नहीं है। 15-2, नेक्स्ट 15-2, नागरिकों के द्वारा नागरिकों पर होने वाले भेदभाव को नकारा गया। नागरिकों पर होने वाले भेदभाव को नकारा गया। अब इसमें कई बार क्या है कि जैसे होटल, मनोरंजन के स्थान, इन सब के संदर्भ में जो चीजें हैं कही गई हैं वो इसमें शामिल होंगी। 15-3, स्त्रियों और बच्चों के संदर्भ में विशेष प्रावधान। स्त्रियों और बच्चों के संदर्भ में विशेष प्रावधान। अब जैसे यहां पर समझिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केवल स्त्रियों को, केवल महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। कोई कह सकता है कि भेदभाव ऐसा लिंग के आधार पर भेदभाव आप कर रहे हो, तो 15-3 में ये कहा गया कि स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। बच्चों के लिए जैसे पास्को एक्ट है, तो बच्चों के लिए स्पेसिफिक। तो हमारे यहाँ दो तरह के कानून हैं, कुछ कानून है जो सभी के लिए है और कुछ कानून ऐसे हैं जो पर्टिकुलर है। तो यहाँ पर फिर 15-4, नेक्स्ट है 15-4, यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अब देखिए यहां पर, जैसे हम लोग एक टर्म प्रयोग करते हैं ओबीसी और बीसी, तो जो बच्चे पहले से अगर पढ़े हुए हैं तो ठीक है, तो अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर हम लोगों, मेरे द्वारा कराया गया नोट्स मिल जाए उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे को ओबीसी शब्द का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा समझ में आना चाहिए। बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास, और बीसी में एससी और एसटी शामिल किए गए, इनसे जो अदर है वो क्या हो गया, इनसे जो अदर है मतलब बैकवर्ड क्लास, एससी और एसटी से जो डिफरेंट है वो क्या हो गया, ओबीसी। फिर और भी ईबीसी का कैटेगराइजेशन आ गया यहाँ पर, ईबीसी का, फिर एमबीसी का कैटेगराइजेशन बिहार में आ गया, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ये भी कैटेगराइजेशन क्या है आया। तो एक तो है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट के लेवल पर स्ट्रांग रहना है आपको कि भाई क्या है बीसी, क्या है ओबीसी, क्या है ये। तो ये जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है, ये सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन जो है ये ओबीसी के लिए प्रयोग है, ये 15-4 में।
मतलब जैसे ये आ गया ये 15,000 के लिए क्या है, और देखिए एससी एसटी को क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। एससी एसटी को क्या कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। अब 15,000 में ये हो गया कि विशेष प्रावधान किया जा सकता है। अब इसके इम्प्लीकेशन को आप देखिए, नौकरी में रिजर्वेशन अनुच्छेद 16 के तहत मिलता है, शिक्षा संस्थाओं में जो आरक्षण है 15,000 के तहत। अब इसमें क्या है, एससी एसटी को शिक्षा संस्थाओं में और ओबीसी को 2006 में शिक्षा संस्थाओं में जो आरक्षण दिया गया वो 15,000 के तहत दिया गया। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में भारत में जो रिजर्वेशन है वह 93वां संविधान संशोधन करके 15,005 के द्वारा दिया। जैसे पहले तो ये क्लियर हो कि प्राइवेट स्कूल कॉलेज में रिजर्वेशन है कि नहीं है, तो हाँ है। फिर दूसरा किसके तहत है, 15,005 के तहत है। किस संविधान संशोधन के द्वारा है, 93वां संविधान संशोधन के द्वारा है। और पीएम यहाँ पर कि एक इनामदार केस था, सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। इनामदार केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान में किसी भी नागरिक को व्यवसाय या आजीविका करने का अधिकार है। तो उससे 19(1)(g) से मिलाकर उन्होंने व्याख्या की थी, लेकिन संविधान संशोधन करके प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन दिया गया। भारत में अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है, उनमें रिजर्वेशन नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो गवर्नमेंट में भी हो गया, गवर्नमेंट में 15,004 के तहत हो जाएगा, और प्राइवेट में किसमें होगा, 15,005 के तहत। तो 15,004 में ये नीचे लिखेंगे, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल और कॉलेज में आरक्षण, संकेत के लिए ताकि आप वहां पर रीजनिंग कर सकें। सरकारी स्कूल और कॉलेज में आरक्षण, ठीक है। 15,005 चाहिए, 15,005, 15,005 जो है प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में आरक्षण दिया गया, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में आरक्षण दिया गया। और इसका अमेंडमेंट लिख लीजिए, जो अमेंडमेंट था वह था 93वां संविधान संशोधन 2005। अब आ जाइए 15(6)(a), 93वां संविधान संशोधन 2005, 15(6)(a), 15(6)(a) जो है ईबीसी के लिए विशेष प्रावधान, ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए विशेष प्रावधान। मतलब ये कहा गया कि स्पेशल प्रोविजंस लिया जा सकता है एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो विशेष प्रावधान में कोई स्कीम आप चला रहे हैं तो विशेष प्रावधान में, कोई कानून अलग से आप ले आए तो विशेष प्रावधान। और 15(6)(b) में क्लॉज 6 एंड सब क्लॉज बी 15(6)(b) इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखना है उसको 15(6)(b), इसमें आप लिखें ईबीसी को 10% ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस है, मैंने बार बार ईबीसी बोल दिया है, उसको ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर तबका, आर्थिक रूप से कमजोर तबका, इसको जो रिजर्वेशन जो दिया गया है, यह रिजर्वेशन है 10% इसमें 15(6)(b) के तहत। अब इसके नीचे लिख लीजिए 124वां संविधान संशोधन 2019, 124वां संविधान संशोधन 2019, ठीक है, ये इसका डेवलपमेंट है। अब इसमें क्या है पहलू, ये जॉब रिजर्वेशन के संदर्भ में आपसे बात करेंगे
तो वहां पर ये बताएंगे कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, लेकिन यहां पर ये चीजें आपको, ये फैक्ट आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो कोई कथन आया उस कथन को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। एक महीने आपको जो हम लोगों की योजना है उसमें थोड़ा सी सेट पर भी शुरू से ही कुछ चीजों को आपको बतानी है ताकि वो चीजें ओवरलुक ना हो, ताकि आप उसको भी अपने प्लान में शामिल कर सकें। तो मैं थोड़ी आज ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, अगले वीक से जब हम लोग शनिवार रविवार को ये क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे तो वहां पर आपको मतलब कुछ प्रॉबेबल और क्वेश्चन, ये तो आपने पीछे के क्वेश्चन आपको दिए गए, फिर इस टॉपिक पर जो और प्रॉब्लम जैसे 124 अमेंडमेंट्स पर क्या सवाल बन सकते हैं उनको लेकर भी आपको कुछ सवाल, और इसको जो आपको 100 से अधिक सवाल दिए गए इनको भी सॉल्व कराएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ही बताना चाहता हूँ ताकि आपकी पढ़ाई पर ओवरऑल एक इम्पैक्ट आए, वो ये है कि कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में कुछ चीजें क्या क्या ध्यान में रखनी। एक आपको शीट दी गई होगी, काइंडली उसको खोल लीजिए, 2013 का सर वो बीसी में ओबीसी का इंक्लूड होगा कि नहीं? बीसी का मतलब एससी एसटी है और ओबीसी का मतलब अदर देन एससी एसटी इज कॉल्ड ओबीसी। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग का जो अपना ऑफिशियल लिटरेचर आता है उसमें ये जो आपको सीट दी गई है इसका उद्देश्य ये है कि जैसे कुछ बच्चे आगे कह रहे थे कि हमारा सर सी सेट से गड़बड़ हो गया, तो सी सेट से भी गड़बड़ ना हो। दूसरा ये है कि किताबें पढ़ने में क्या क्या ध्यान में रखना है उसको क्या है आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात ये है सर, एक चीज और, हाँ, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में बोलता है कुछ अंतर है? अंतर है, जैसे क्या है, केंद्र सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने 2011 में जितनी भी ओबीसी के लिए स्कीम्स चल रही थी उनको कुछ निश्चित वार्षिक आय के आधार पर वो एक ईबीसी कैटेगरी बनाई और उनके ऊपर भी लागू हुआ। और क्रीमी लेयर नॉन, हां क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी नहीं, वो समझ लीजिए कि वो अगड़े हैं, वो वास्तव में क्या है, अगड़ी जातियां हैं जिनको केंद्र सरकार की कुछ स्कीमों का लाभ दिया गया और वो आर्थिक आधार पर दिया गया, लेकिन वो नौकरी में और स्कूली और स्कूल और कॉलेज में रिजर्वेशन के बाहर। अब उसको वो समायोजित करने की डब्ल्यूएस के, जैसे जब आप पढ़ते हैं एक होता है कि आप पढ़ रहे हैं और आपका दिमाग बिल्कुल इंगल्प हो गया, भारी हो गया, भारी पैसेज आप पढ़ रहे हैं या कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, किताब भी जब डब्ल्यूएस के आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि चीजें आपको भारी लगने लगती है, उसमें ध्यान में क्या रखना है इस बात को भी आप समझिए कि हमें किताब के अनुसार पढ़ने के बजाय कुछ ऐसे जो बुक्स हैं जिनको हम रेफरेंस के लिए लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी को तो हम कई बार पढ़ते हैं, उससे हर चीज निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे आप इंडिया ईयर बुक पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये जरूरी नहीं कि हम इनके हिसाब से जो चीजें दी गई उनके संदर्भ में पढ़ें। इसका मतलब ये है कि पढ़ने का वो तरीका हमें अपनाना है जिसमें बुक जो है वो माइंड को डिटरमाइन करे, ऐसा ना हो बल्कि माइंड के पास कुछ फ्रेम हो जिनसे बुक में लिखी गई चीजें वो निकाले। और इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज है, जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो कई बार क्या होता है पैसेज आपके ऊपर एकदम छा जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उलझ गए हैं उसकी लाइनों में, उलझ रहे हैं उसके बड़े बड़े भाषाई शब्द जाल में, उलझ रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बुक ने क्या कर लिया, आपके माइंड को ग्रेस्प कर लिया। अभी कैसे होगा? वो तब होगा जब माइंड के पास फ्रेम है। क्या मैं तुरंत व्हाट इज का आंसर आया नहीं वहां पर, तुरंत हम जहां पर जैसे ही शब्द आया क्योंकि, जहां पर किसी चीज का और हो जैसे ही शब्द आया परिणाम, मैं तुरंत रेडी हो गया, इसका मतलब कारण बता दिया गया है और उसका क्या परिणाम आ रहा है। आपकी रीडिंग में सुधार होना चाहिए,
एक होता है कि लेमैन की तरह कोई किताब पढ़ना और फिर जब उससे कुछ पूछा जाए और अरे कि हम पूरा ग्रेस नहीं कर पाए फिर किताब पढ़ने की क्या है जरूरत हो। और एक होता है कि हम अपने मेंटल मैप के अनुसार किताब पढ़ें। तो अगर अभी मान लीजिए कि हम लोग फरवरी के लगभग एंड में हैं, अगर 5 से 6 घंटे खूब क्वालिटी रीडिंग करते हैं तब थक जाएंगे। और जैसे कई बार बच्चे कहते सर मैं 18 घंटे पढ़ लेता हूँ 20 घंटे पढ़ लेता हूँ, भाई ये मनरेगा की मजदूरी नहीं चल रही। जितना मजदूरी बढ़ाते जाओगे तुम्हें थकना चाहिए, क्योंकि तुम शारीरिक काम से ज्यादा मानसिक काम में आदमी थकता है। एब्जॉर्ब होके पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि हम पूरा एब्जॉर्ब होके पढ़े, हमें कॉन्फिडेंस है कि ये चैप्टर पढ़ लिया तो इससे चीज अगर पूछी जाएगी तो मैं बता सकूंगा। पहला तो ये है कि मेंटल फ्रेम जो है आप में वो है कि नहीं है, कि जहाँ वार्टिस बताया गया उस वार्टिस को क्या है। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी में लिखा गया कि संसद से आशय है वह विधायिका या व्यवस्थापिका जो कानून बनाने का कार्य करती है। अब यहाँ क्या है को डिफाइन कर दिया गया, संसद क्या है, कानून बनाने वाला एक निकाय है, लेकिन हमने उसको नोटिस नहीं किया। और जब ये ऑप्शन लिख दिया जाएगा तो फिर क्या है, फिर हमें वहां पर दिक्कत होगी कि हम उसमें कंफ्यूज। और एक शब्द से ही क्या कर दिया जाएगा, फेर कर दिया जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के संदर्भ में सही है। और ये जो दुनिया की जो बोरिंग किताबें हैं भारत सर्वे ये सब क्या है, इनको पढ़ना आसान तो है नहीं, कलेक्टर बनने की मजबूरी है कि आपको पढ़ना पड़ता है, कुछ चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो वहां पर इसका मतलब ये है कि हम इनको कैसे पढ़ लें। ये जो पैसेज आपको दिया गया है ये आइडिया ऑफ जस्टिस का जो पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ने का तरीका बता रहा हूं ताकि आप पढ़ने का तरीका जीएस में भी सुधारें और इसको भी करना शुरू करें ताकि वहां पर ऐसा ना हो कि सी सेट टूट आउट हो जाए। ये अब जैसे ये कि मैं पढ़ रहा हूं आप देखिए कहां पर किस चीज पर नोटिस करना है तब आप आंसर निकाल पाएंगे। हाल के वर्षों में लोकतंत्र के विषय को लेकर उसके आसपास जिस प्रकार के शब्दाडंबर प्रयुक्त हुए हैं उसके फलस्वरूप यह विषय अत्यंत संभ्रमपूर्ण हो गया है। अगर आपको अंडरलाइन करना होगा तो किसी पर अंडरलाइन करें। एक तो हुआ कि भाई कथन कारण आ गया, लेकिन एक और बात है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उस सेंटेंस का की कॉन्सेप्ट क्या है जिस पर उस पर बात हो रही, मतलब सब्जेक्ट क्या है। लोकतंत्र का विषय, लोकतंत्र के विषय को क्या है। अब क्या है कि मैं पूरे सेंटेंस पर, अब यहां इंग्लिश में आप देखिए जैसे और द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैज बिकम सीवियरली मडल्ड बिकॉज ऑफ द वे द रेटोरिक सराउंडिंग इट हैज बीन यूज्ड इन रिसेंट टाइम। इसका मतलब लेखक किस पर बात कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी पर। और इसमें उसने एक बात बता दी कि यह संभ्रम पूर्ण हो गया। फिर इसके बाद ही अब इसके साथ ही यहां पर हिंदी वाले को मिले गैर पश्चिमी विश्व के देशों पर लोकतंत्र अधिरोपित करने के समर्थकों और ऐसे अधिरोपण के विरोधियों के बीच एक बढ़ता हुआ विचित्र रूप से भ्रांत विभाजन बन गया है। अब यहां पर देखिए क्या है, दो तरह के लोगों की बात कर रहा है लेखक। एक है लोकतंत्र अधिरोपित करने के समर्थक, अंडरलाइन पर करना, और एक है विरोधी। इनके बीच में क्या है, मतलब कुछ लोग लोकतंत्र को दूसरे देशों में आरोपित करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसा करने के विरोधी हैं। अच्छा ब्रैकेट में उसका रीजन दिया गया, वस्तुतः इन देशों के स्वहित में ही। और फिर दूसरा विरोधी जो है उन देशों के अपने तौर तरीकों के लिए समाधान होने के कारण भ्रांत विभाजन बन गया है। अब यहां पर देखिए क्या है कि जैसे मैंने कहा कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, ये तो वेग स्टेटमेंट है। आप में से कई लोग यूपीएससी मेंस लेते जा रहे होंगे, ये सब जब
कॉपी उपी आती है तो हम लोग डांट देते हैं, ये क्या लिख रहे हो, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, नेतागिरी वाली लाइन आंसर में नहीं आई थी, ये लिखोगे कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास पहुँच गई, उससे ज़्यादा हो गई, इसके वजह से संसाधनों का बहुत गहरा दबाव है, ये कंक्रीट लाइन। अगर किसी लेखक ने ये कहा कि लोकतंत्र के विषय को लेकर बहुत शब्दाडंबर क्या हो गए हैं और विषय बहुत भरपूर्ण हो गया है, उसे अगली लाइन में बताना होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितने भी अच्छे लिखने वाले होते हैं वो अगर किसी सेंटेंस में कॉन्सेप्ट वन बताते हैं तो लॉजिकल स्ट्रक्चर ये कहता है कि उस सेंटेंस के अगले सेंटेंस में उसी कॉन्सेप्ट वन का या तो आशय बताएंगे, या तो इंटेंशन बताएंगे, या फिर उसे कनेक्टेड कोई बात क्या है। जैसे मैं दिल्ली की बात करते करते सीधे कन्याकुमारी पर नहीं जा सकता, कोई कनेक्शन होना चाहिए। तो यहां पर कि विषय भ्रमपूर्ण क्यों हो गया है, क्योंकि यहां पर गैर पश्चिमी विश्व के देशों पर कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र को क्या करना चाहते हैं, आरोपित करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसा है जो उसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और इसमें भी ध्यान दीजिए, गैर पश्चिमी विश्व पर ही आरोपित हो, इसका मतलब कि पश्चिमी देश ही होंगे ना, गैर पश्चिमी से क्या निकल रहा है। अब इसका मतलब कि पश्चिमी देश गैर पश्चिमी देशों पर लोकतंत्र को आरोपित करना चाहते हैं। फिर यहां पर किंतु इन दोनों ही पक्षों के द्वारा प्रयुक्त अधिरोपण की पूरी भाषा असाधारण रूप से असंगत है, क्योंकि इससे यह अस्पष्ट धारणा बनती है कि लोकतंत्र अनन्य रूप से पश्चिमी देशों से ही संबंध रखता है, यह मानते हुए कि वह सर्वोत्कृष्टता से पश्चिमी विचार है जो केवल पश्चिम में ही जन्मा और फूला फला है। अब देखिए लेखक यहां पर आ गया, सुभाष घई की फिल्म आपने देखी होगी, तो सुभाष घई जिस भी फिल्म को डायरेक्ट करते थे तो बीच में वो जरूर कूद जाते टोपी लगाकर, जैसे भी यहाँ पर लेखक अब बीच में आ गया, पढ़ने वाले को एक क्लियर होना चाहिए कि लेखक बीच में कहाँ कूद रहा है। अभी तक लेखक लोकतंत्र के विरोधियों और समर्थकों की बात कर रहा था, आरोपित कर रहे थे, ठीक है ना, अब लेखक खुद आ गया, कूद गया, किंतु इन दोनों ही पक्षों के द्वारा प्रयुक्त अधिरोपण की पूरी भाषा असाधारण रूप से असंगत है, क्योंकि इससे यह अस्पष्ट धारणा बनती है कि लोकतंत्र अनन्य रूप से पश्चिमी देशों से ही संबंध रखता है, ठीक है। लेखक ने यहां पर कह दिया कि जो लोग यहां पर जो कह रहे हैं उससे यह धारणा निकलती है कि लोकतंत्र केवल पश्चिम से ही संबंध रखता है, ठीक है। अब इसके बाद लेखक खुद आता है कि क्या है, किंतु इस अवधारणा को इससे विश्व में लोकतांत्रिक प्रथा की संभावना के बारे में ज्ञान जनित निराशावाद को औचित्यपूर्ण ठहराना बहुत कठिन होगा। और लेखक आ गया कि प्राचीन भारत में स्थानीय लोकतंत्र के अनेक प्रयोग किए गए, फिर सचमुच विश्व में लोकतंत्र की जड़ों को समझने के लिए हमें विश्व के विभिन्न भागों में हुई जन सहभागिता और लोक विवेचन के इतिहास में रुचि लेनी होगी। अब लेखक काउंटर कर रहा है, विश्व में लोकतांत्रिक प्रथा भारत में रही है, विश्व के विभिन्न भागों, अब इसमें ये आपको नोटिस करना होगा कि विश्व में रही है, भारत में रही है, विश्व के दूसरे भागों में रही है। और फिर लेखक ये कहता है कि यूरोपीय और अमेरिकी क्रम विकास के आधार पर हमें मात्र लोकतंत्र के विचारण के परे देखना होगा। फिर लेखक यहाँ पर एक और आर्गुमेंट, यदि लोकतंत्र को पश्चिम का एक प्रकार का विशेषीकृत सांस्कृतिक उत्पाद मान ले तो अरस्तु ने दूरगामी अंतर्दृष्टि के साथ सहभागी जीवन की जिन व्यापक मांगों के विषय में बात की थी उन्हें समझने में हम असफल हो जाएंगे। लेखक यहाँ पर एक अलग आर्गुमेंट भी देता है, पहला आर्गुमेंट तो उसका ये था कि भारत और दुनिया के दूसरे भागों में भी लोकतंत्र रहा है, और दूसरा अगर ये कहा गया कि सांस्कृतिक उत्पाद मान लें, अगर पश्चिम का इसे कल्चरल प्रोडक्ट मान लें, तो सहभागी जीवन की व्यापक जो मांग अरस्तु ने की थी उससे भी क्या ये दूर हो जाता है। वास्तव में इस पर संदेह नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र की समकालीन प्रथा का संस्थानिक ढांचा अधिकांश रूप से यूरोप और अमेरिका के गत कुछ शताब्दियों में हुए अनुभव की देन है। लोकतंत्र का ढांचा यूरोप और अमेरिका ने दिया है, लेकिन अब यह पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांस्थानिक प्ररूपों में यह विकास अत्यधिक नव परिवर्तनशील और अंततः प्रभावी हुए। इसमें संशय नहीं हो सकता कि यह एक प्रमुख पश्चिमी उपलब्धि। अब लेखक किसी कह कह रहा है लोकतंत्र का जो विषय है, जो विचार है, वो पश्चिम की देन नहीं है। लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं
जैसे अगर हम उदाहरण लें वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली, वो पश्चिम की नहीं होती। अब ये जो पैसेज है, इस पैसेज पर जो चीजें पकड़ने की है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी लाइन को, आपका मन भारी ना हो पढ़ने के दौरान, तो कभी भी ये मत कोशिश करिए कि मैं पूरी लाइन अपने दिमाग में बिठा दूं। मैं कोई नई चीज पढ़ रहा हूं वो तुरंत मेरे दिमाग में याद नहीं हो जाएगी, छप नहीं जाएगी। मैं जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं, जितने भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के कनेक्शन को क्या करूं, देखूं। जैसे आप लॉजिकली देखेंगे कि मैं एक बात कहने के बाद, एक सेंटेंस है और सेंटेंस में मैंने कोई कॉन्सेप्ट वन की बात की, तो जब मैं सेंटेंस टू में आऊंगा तो या तो इस कॉन्सेप्ट वन को और एक्सप्लेन करूंगा या फिर मैं कोई नए कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। मैं ये पकड़ पा रहा हूं कि नहीं पकड़ पा रहा हूं, मतलब यहां पर मेरे पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि मैं मोटे मोटे, मतलब जैसे होता है किसी यात्रा में जो बड़े स्टेशन होते हैं, वो बड़े स्टेशन कभी भी क्या होने चाहिए, वो डिसअपीयर नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप इलाहाबाद से दिल्ली की यात्रा आपने शुरू की, तो अब छोटे छोटे, अब आपसे पूछा गया कि अच्छा बताओ पहले कानपुर आया था कि पहले गाजियाबाद आया था, उसमें कंफ्यूज हो गए कि सर इसमें क्या बताएं, ये याद नहीं आ रहा। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि बेसिकली क्या है पार्ट, तो सबसे पहला तो ये है कि जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, की नोशंस होते हैं, उनको, जैसे लोकतंत्र के विषय पर बात है, गैर पश्चिमी देशों पर बात है, पश्चिमी देशों के संदर्भ में भी कुछ बातें हैं, उनके तर्क को खारिज किया गया है, ये एक रीडिंग हैबिट में क्या आना चाहिए। अब इस पर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में उपयुक्त में परिच्छेद में यथा उल्लिखित, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के दृष्टिकोण के सर्वाधिक निकट है। लोकतंत्र का विषय इसे गैर पश्चिमी देशों के लिए अन्य देशी पश्चिमी अवधारणा के रूप में चित्रित करने की इच्छा के कारण संभ्रम पूर्ण हो गया है, सही है नहीं है। यहां पर क्या है, ये लेखक बाद में कह रहा है, लेखक ये बाद में क्या कह रहा है, लोकतंत्र का विषय भ्रमपूर्ण हो गया। अब एक और बात है, जब तीन चार लाइन का लंबा वाक्य मिलेगा तो आप उसको छोटा कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट खोजिए, बीच की लाइनें हटाइए। लोकतंत्र का विषय ए ऑप्शन है, भ्रमपूर्ण हो गया है, कैसे आप वहां पर टिक कैसे करेंगे, लोकतंत्र का विषय भ्रमपूर्ण हो गया है। रीजन उसका क्या दिया गया है, रीजन इसे क्या दिया गया है, पश्चिमी अवधारणा के रूप में चित्रित करने की इच्छा के कारण। रीजन पैसेज में क्या दिया गया है, अपने देशों के हित के कारण, ये रीजन दिया गया, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। जब भी कोई लंबा चौड़ा वाक्य आप पढ़ें, उस वाक्य को सबसे पहले सब विशेषण हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए, उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक लाइन में क्या है, तीन शब्द में, चार शब्द में क्या, उसको पकड़िए, उसके आधार पर उसको देखिए कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लोकतंत्र के अधिरोपण की भाषा अनुपयुक्त है, तथापि इस अवधारणा पर गैर पश्चिमी समाज के अपने तौर तरीकों के सांस्कृतिक पृष्ठपट पर विचार करने की आवश्यकता है। अधिरोपण की भाषा नहीं, पूरा विषय ही क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया, भाषा की बात नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है, नहीं, गलत है। यद्यपि लोकतंत्र अनन्य रूप से पश्चिम से जुड़ा मूलतः पश्चिमी विचार नहीं है, फिर भी प्रचलित लोकतांत्रिक प्रथाओं की संस्थागत संरचना उन्हीं का योगदान है, ये सही है। जैसे आप दूसरे पैराग्राफ से, अब देखिए यहां पर, जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये लाइनें सी ऑप्शन कहां से सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है दूसरे पैराग्राफ के पहले दूसरे तीसरे चौथे लाइन से, यहां पर सपोर्ट क्या है कर रहा है। अब यहां ये बात मैं इसलिए पहले दिन ही क्लास में आपको बता रहा हूं, आप कि पढ़ने की आदत धीरे धीरे ऐसी बन जाए कि एग्जाम में आपको भारी न लगे। देखो होता है सीसेट का पेपर सेकंड मीटिंग में, तब तक दिमाग वैसे ही खाली हो जाता है, ठीक है ना, और वो रहता है क्वालिफाइंग। तो जो टीम कई बार वर्ल्ड कप फाइनल जीत सकती है, कई बार क्वार्टर फाइनल में हार जाती है, सारी मैच की तैयारी रही रहती है और प्रीलिम्स ही क्या हो जाता है, और प्रीलिम्स जो है वो पानीपत की लड़ाई है, तीसरे पानीपत का जो थर्ड वार था उसमें उसका क्या महत्व है, उस
उसने ये तय नहीं किया कि हिंदुस्तान का शासक कौन है, उसने ये तय किया कि कौन शासक नहीं। तो इसका मतलब सबसे डेंजरस जो स्टेप हो, मतलब जो परीक्षा का चरण है वो यही, इसमें कोई भी चढ़ सकता है। मतलब ये सोचो कि जो मीन्स निकाल कर फाइनल कर सकता है वो भी इस दौर में क्या हो सकता है। इसलिए हल्के में तो इसको लेना मत। हमेशा से यूपीएससी का इतिहास रहा है इसने सबसे ज्यादा लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में छोड़ा। देखो मुख्य परीक्षा में दमदार तैयारी रहने पे एक आध पेपर इधर उधर भी हो जाता है, गड़बड़ भी हो जाता है, तब भी लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, संभाल लेते हैं मामले को। प्रारंभिक परीक्षा में तो वही है कि जो जीता वही सिकंदर। इसलिए यहाँ पर यह भी है कि हम पहले से ही इस चीज को ध्यान में रखते हैं। और इसलिए जो है आपके पढ़ने का जो ये वो क्वालिटी भी क्या सुधरनी चाहिए। फिर यहाँ पर परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई हैं। अनेक गैर पश्चिमी देश लोकतंत्र लाने में असफल रहे क्योंकि वे लोकतंत्र को पश्चिम का विशिष्ट सांस्कृतिक उत्पाद होने के रूप में देखते नहीं। वो लोकतंत्र लाने में असफल रहे क्योंकि उन देशों के अपने तौर तरीकों के संदर्भ में क्या है वह मान्य नहीं है, इसलिए गलत है। देखिए वहां पर है ना कि अनेक गैर पश्चिमी देश, तो अधिरोपण के जो विरोधी हैं वो गैर पश्चिमी देश ही होंगे ना। और गैर पश्चिमी देश इस पहले पैराग्राफ की चौथी लाइन, पांचवी, छठी लाइन के ब्रैकेट को आप देखिए, वो रीजन है। पश्चिमी देश हमेशा गैर पश्चिमी देशों पर लोकतंत्र अधिरोपित करने का प्रयास करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जहां से गलतियां करवाई जाती है पैसेज में, आगे इस पर बात करेंगे। कभी भी कुछ से सब को मत निकालना। जैसे कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, इसे हमें नहीं निकाल सकते कि सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। और कभी भी कभी कभी से हमेशा का निष्कर्ष मत निकालना, ये सब यूनिवर्सल स्टेटमेंट। इसलिए जैसे किसी भी लाइन में हमेशा आ गई, सब आ गया, तो उसको तुरंत क्रॉस एग्जामिन करो कि ऐसा कहा गया कि नहीं कहा गया। मोस्टली सिलेबस में नहीं कहा जाता है, इसलिए दोनों कथन क्या हो जाएंगे। और ये पढ़ने के, देखिए रीडिंग जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सुधरेगी तो आप जो किताबें पढ़ रहे हैं क्वालिटी के लेवल पर, इकोनॉमी के लेवल पर, वो किताबें भी क्या है आप अच्छे से कर पाएंगे। ये आइडिया ऑफ जस्टिस अमर सिंह की बहुत फेमस किताब है, वहां से ये पैसेज लिया गया है। और दरअसल एक डिबेट है कि लोकतंत्र जो है वो पश्चिम की देन है। इस डिबेट को कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया था, अमर सिंह ने उसको काउंटर किया था, लोकतंत्र का विचार पश्चिम की देन नहीं है, लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं वो पश्चिम की देन हो सकती है। इसको थोड़ा घर पर आपको करना है, ठीक है। आज ज्यादा नहीं बताता हूँ आपको, धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। तो अभी क्या है कि आपको जो मतलब नेक्स्ट वीक के लिए जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो ये है कि आप अपने तरीके से जो भी आपने पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और स्पेशली राइट्स, वो आप कर लीजिए। हम लोग उस पर आए हुए सभी प्रश्नों को, जो बचे हुए प्रश्न उनको डिस्कस भी कर लेंगे। और इस पर प्रॉबेबल सवाल क्या बन सकते हैं, उसमें ज्यादा नहीं 5-10 सवाल डिस्कस कर लेंगे, तो इनसे आपका पूरा एक दायरा क्या है बन जाएगा। दूसरी बात ये है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इतने रेंज में पढ़ाई नहीं की हो, उसे घबराने की जरूरत नहीं। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उनसे अलग से पूछ सकते हैं कि आपको कैसे कहां से क्या करना है। और फिर मैं वही कह रहा हूं, जो आपने पढ़ा है वो सोर्स नहीं बदलना, अचानक सोर्स बदलना ठीक नहीं होता है। जो भी आपने पढ़ा है उस पर कंट्रोल बनाना पड़ेगा और कुछ चीजें क्या करनी पड़ेंगी, एड ऑन करनी पड़ेंगी। इसके साथ ही आपकी कम से कम 5 घंटे की कम से कम अभी की क्वालिटी रीडिंग जो मई तक जाते जाते 8-10-15 में बदल जाए, ये है। लेकिन जो आपकी रीडिंग हो उसमें आप में ये भी मानता हो कि यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ से सवाल आएगा तो मैं कर दूंगा। इसमें आप बहुत डिफिकल्ट कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है और शुरू में ही बहुत ज़्यादा डायमेंशन लेकर पढ़ने की जरूरत,
जैसे आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की 10 बातें कौन कौन सी एक बार पढ़ के दिमाग में बिठा दिया, ठीक है ना, उससे सवाल हल हो रहे हैं कि नहीं। अगर आर्टिकल 15 का लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या, जैसे मैंने इस तरह की क्या है, और जो मैंने कहा इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है एक पेयर एक्ट लेकर उद्देशी का राज्य के नीति निदेशक तत्व से जुड़े हुए जो अनुच्छेद है वो और मूल अधिकार। नीति निदेशक तत्व को एक एक लाइन एक एक बात पता होनी चाहिए, एकदम पर्चा आउट है, दो सवाल या कम से कम एक सवाल वहां से जरूर होता है, वो उसकी भाषा पर ही होता है, वो उसके सीधे वही से क्या। और यूपीएससी की एक और प्रवृत्ति है जो पिछले साल बीपीएससी ने भी अनुमान उसको यूज किया, बीपीएससी ने क्या किया था कि इस बार वाला के पिछले बार वाला जो बीपीएससी हुआ था तो उसमें सीधे उसने आर्टिकल से सवाल पूछे, बेयर एक्ट के आर्टिकल से क्या सवाल पूछे, तो आर्टिकल से सवाल पूछने जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 26 है, तो अनुच्छेद 26 में है प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, उसमें उसने कर दिया कुछ धार्मिक संप्रदाय, इसका मतलब क्या, हमें ध्यान इस पर देना है, में ध्यान अपने ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन पे देना, क्वालिटी में ये भी ध्यान रखिए, जैसे आगे पंचायती राज आएगा तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे क्या है कि ये दिया गया है कि राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो पंचायतों में लोकसभा के सांसदों राज्यसभा के सांसदों विधायकों इनको शामिल कर सकता है, और एक जगह यहाँ पर भी पंचायतें 3 स्तर की होंगी, इसका मतलब कुछ सीधे संविधान के द्वारा तय है और कुछ सीधे राज्य विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ी गई, तो वो हमें क्या है पढ़ते समय नोटिस करना पड़ेगा। जहां तक क्वालिटी की बात है तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में आप ये पाएंगे कि ज्यादातर चीजें क्या होती है कि आपको बिल्कुल जनरल जो चीजें होती हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा या फिर ऑड फैक्ट जो होता है उससे सवाल पूछा जाएगा। जैसे ऑड फैक्ट क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में राज्यों के बीच में कोई भी झगड़ा होगा वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है संघात्मक शासन प्रणाली के, ठीक है, हाई कोर्ट भी उसको नहीं देख सकते, लेकिन नदियों के पानी का जो झगड़ा होता है वो इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल में होता है, अभी ऑड फैक्ट है तो ये पूछा जाएगा। इस तरह के क्या है, इस तरह के जो ऑड फैक्ट है, नवीन अनुसूची न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सके इसलिए बनाई गई थी, लेकिन कोहिलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम न्यायिक समीक्षा करेंगे, तो ये। और जैसे हम लोग क्वालिटी में चल रहे हैं वैसे ही बाकी सेक्शंस पे भी